एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या चाहिए? एक अच्छे से गणपति की मूर्ति दिखाइए। यस मैडम। वाव, सो क्यूट। इसे पैक कीजिए। इट्स सोल्ड आउट मैडम। ये दूसरे की है। ठीक है, फिर ऐसी दूसरी दीजिए। सॉरी मैडम, एक ही बची है। क्या डिस्कशन चल रहा है? ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद है जी, मगर इनके पास एक ही पीस है। अच्छा लग रहा है तो ले लो। कितने का है? सर दूसरे का है, बिल भी पे कर दिया सर। ओहो, बिल भी पे हो चुका है, ये तो और भी अच्छी बात है। आओ चलते हैं। सर एक मिनट सर, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है सर, अगर उसे अच्छा लगा तो फिक्स हो जाता है। थोड़ा पागल है, प्रॉब्लम हो जाएगी सर। मुझसे? इस एरिया के सीआई से प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझसे भी बड़ा पागल है वो। आएगा तो उससे कह देना एरिया के सीआई की गर्लफ्रेंड को गणेश की मूर्ति बहुत अच्छी लगी, वो लेकर गया है। दम है तो आकर ले ले मुझसे। हेलो, चुपचाप बैठ। ए, ये पुलिस की गाड़ी है, बचाओ। ए, विक्रम, ए, रुक जाओ। बचाओ। अरे कौन है तू? रुक जाओ, पुलिस से पंगा ले रहा है। ए, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक, गाड़ी रुक। आजा आजा। ए! वो अब इधर उधर ढूंढता होगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। उसे फोन करके बोलो यहाँ आने के लिए। हेलो, तूने मेरी मूर्ति ली है ना? मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को लाया है। चल अब बता, तुझे मूर्ति चाहिए या फिर गर्लफ्रेंड? सिर्फ 500 रुपए की मूर्ति के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूं क्या? जेब में कितना माल पड़ा है? कुछ भी नहीं। ये क्या, सुबह तो 10,000 रखे थे ना। अरे तू चुप रहना, वो सब कवर में रख दे। अब ठीक है ना? 10,500। अरे प्लीज यार, लड़की को छोड़ देना भाई। चल तू प्लीज बोल रहा है तो मैं लड़की को छोड़ देता हूँ, लेकिन तू मूर्ति मत देना, मैं खुद ले लूंगा। हे भगवान, कितनी जोर से मारा। अरे तुम पुलिस ही हो ना? चल चल चल, नंबर देख गाड़ी का। क्या देखें, उसने पूरा कवर किया है। रेडी रेडी वेज डोसा रेडी। डैडी, मम्मी को देखिए ना, संडे को भी डब की हुई फिल्म देखने को कह रही हैं। डबिंग फिल्में अच्छी होती हैं। एक बार तुम्हारी मम्मी को मम्मी फिल्म दिखाने लेकर गया तो कहती है फिल्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन कौन किसकी मम्मी है पता नहीं चल पा रहा। पापा, कीमा डोसा रेडी है? तैयार है, गर्मा गर्म। कमाल है, मेरे डोसे का कीमा कहाँ है? डोसा में कीमा रहता है, कीमा में डोसा नहीं रहता। अच्छा, हाँ। फिर कीमा डोसा नाम क्यों रखा? ऐसे ही। अब दो। ये क्या चाचा, किचन के अंदर आप खाना पका रहे हो, बाहर चाची किसी को जबरदस्त धो रही है। ये ले, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वीसी लगने के बाद नहीं काम ले सकते हो, लेकिन वीसी का पैसा नहीं भर सकते क्या? तुझे तो तुम्हारी वजह से वीसी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। ऐसे क्या देख रहा है? माँ दूसरों को मारती है तो मुझे देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, अबे ऐसे में वो मर जाएगा। माँ क्या है बेटा, तुम थक गई हो तो बोलो, मैं मार देता हूँ। हाँ हाँ, आजा बेटा, अब तू ही इसे मार, अब तेरी खैर नहीं। अरे अरे मेरा बेटा, ये ले मार मार। कितना भरना है बे? 1,00,000 सर।
तुझे एक अच्छा सॉल्यूशन बताऊं क्या? बोलिए ना सर। तेरा पैसा मैं भर देता हूँ। थैंक यू सर। ये गाड़ी को यहीं पर छोड़ दे। ऐसा क्यों सर? अरे तू तो अच्छे से जानता है ना कि मेरा कैब का बिजनेस है, 10 कार भाड़े पर चलाता हूँ, तो तेरी गाड़ी 11वीं हो जाएगी। अरे मैं पत्नी को कैसे घुमाऊंगा? अरे तो क्या हुआ, रेंट भर के ले जा। मेरी बीवी मुझे मार देगी। मेरी माँ भी मार देगी बे। बीवी से मार खाना बेटर है। ये लीजिए चाबी। दिमाग वाला है, चलो इसे भी घुमा दे। लड़कों को बाद में देखना, पहले टिकट लेके आजा। मैं क्यों जाऊँ? तुम उससे पहले पैदा हुए हो ना, तुम लेकर आओ। अरे हम सबसे पहले भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं, क्यों चाचा? अरे हम सबको फिल्म दिखाने के लिए ये लेकर आई है, तो टिकट भी यही लाएगी ना। मैं जाकर ले आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? मैं जाकर लेके आता हूँ, आप लोग अंदर जाइए। चलो यार, जेम्स बॉन्ड की फिल्म हिंदी में मैं क्या देखूंगा, इससे अच्छा तो दबंग 2 देख लेता हूँ। यार मेरी बातों से कहीं हर्ट तो नहीं हो गया ना तू? मैं हर्ट नहीं हूँ यार, मेरा हार्ट अंटार्कटिका हुआ है। अंटार्कटिका हुआ है? अंटार्कटिका? डाइट कोक 1 मिनट मेड। ओके मैडम। पैसे लेने के लिए मना किया मैडम? किसने? सॉरी मैडम, नाम बताने के लिए भी मना किया। 2 बर्गर्स देने के लिए मना किया है मैडम? बताने के लिए भी मना किया होगा ना? आपको पता नहीं मैडम? कैसे होगा, पर तुम्हारे जैसा ही है। मेरा क्या? जैसा नहीं, एक बात बताओ, जोड़ी जमेगी आपकी? सामने आने की हिम्मत नहीं है और ये नाटक कर रहा है। आजकल के लड़के ना, लड़की पटाने के लिए पैसे नहीं रे, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। करेक्ट, तुमने ही बोल दिया। ओ तो वो तुम हो क्या? यस, अभी हिम्मत खर्च करके आई लव यू बोल देता हूँ। बोल रहा हूँ आई लव यू। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें देखते ही बिना कोई एनालिसिस किए तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ, तो तुम भी कोई एनालिसिस किए बिना मुझे यस कह दो। और नो कहूंगी तो ये वापस दूं या फिर लेके जाऊं? तुम लड़कियों की लैंग्वेज में नो का मतलब यस ही होगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। चलो ले जाओ। थैंक यू। तुम अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंटली खर्च कर रहे हो, केयरफुल। कोई डाउट नहीं है, ये जल्दी ही कंगाल होने वाला है। जहाँ पना, उसकी बात सुनी क्या, कंगाल होने वाले हो? दिल खो गया है, दौलत कौन सी बड़ी बात है। सर कार का पिकअप कम हो गया है, सर्विसिंग करवाना पड़ेगा सर। एक्सीलेटर दबाओ और मैनेज करो। चलो नमस्ते सर। गो गो। हाय, वो कार इस तरह लोनली क्यों है? अरे आज उसका बॉयफ्रेंड ड्यूटी पर नहीं आया, तुझे ही ले जाना पड़ेगा। हाँ, उसका हस्बैंड मानेगा क्या? हाँ यार, आउटडोर जाने वालों के अलावा ये लोग बहुत किच किच करते हैं, संभल कर जाना। 10 मिनट्स लेट। अंकल यहाँ सनमटी जयराम कौन है? जरा उस कमीने को बताना कि थॉमसन कैब से आदमी आया है। आपके लिए नहीं अंकल, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले सनमटी जयराम के लिए। मैं ही हूँ वो कमीना, चलो। क्यों सॉरी बोलना नहीं सीखा क्या? मुझे आदत नहीं है। अगर इतना घमंड है तो तू ड्राइवर भी नहीं होगा। मैं इस कार का ओनर हूँ, ड्राइवर छुट्टी पर है। आई एम साई। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट कौन है सर? थोड़ा आगे चलो। अभी जो चढ़ेगा उसका नाम समर प्रताप रेड्डी है, स्टाइलिश मैन। उसके पिता ने 50 लाख खर्च करके उसे जॉब दिलाई है। 50 लाख? यस, 50 लाख। उस पैसे को बॉस ने बाहर इंटरेस्ट पर दे दिया और उसी इंटरेस्ट से इसे पगार देता है। इतनी तकलीफ किस लिए सर? करोड़ों करोड़ों रुपए दहेज लेने के लिए। यहाँ रुको। नमस्ते भाई, आज क्या काफी लेट हो गए आने में? हाँ, शहर में पेट्रोल का रेट बढ़ने से हड़ताल चल रही है। अच्छा, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, ये कौन नया ड्राइवर है क्या? इसे बताइए सर। तुम फील मत करो, तुम जहाँ बैठे हो बैठे रहो। इसका नाम साई है, गाड़ी का ओनर है, ड्राइवर छुट्टी पर है इसलिए ये आया। सॉरी भाई। राइट लेके लेफ्ट ले लो, वहाँ पर कोई और चढ़ने वाला है। भाई आज ये पटाखा बिल्कुल मस्त लग रही है, आज बैठ जाओ। हाय। अच्छा फोन में नहीं जानू, रोज कार में बैठे बैठे मुझे बैक पेन होने लगा है। बैक सीट का मामला? हाँ, सच में। तुम्हारे कार में नहीं, उसके बॉयफ्रेंड के कार में। हुँ।
चाहिए। तुम यहाँ, तुम मेरे लिए यहाँ तक आ गए? पहले पता होता ना तो सिर्फ तेरे लिए ही आता। चैत्रा, तुम साई को पहले से जानती हो? ये मेरी लवर है सर। तो फिर बताया क्यों नहीं? मैं इसकी लवर नहीं हूँ। नहीं, इतना सडनली घूमिए मत सर, गर्दन अकड़ जाएगी। लड़कियाँ इतनी आसानी से मानती नहीं है, हमें मनाना पड़ता है। वो कैसे? टेल मी वन आइडिया। सिंपल सर, उसकी तरफ इंटरेस्टिंगली देखना है, फिर सिंसियरली ध्यान देना है, बस सब्र रहना चाहिए सर। अगर बराबर से ट्राई करोगे ना तो कतरीना कैफ का दीपिका पादुकोण भी पट जाएगी। ये टेक्निक जबरदस्त है, देखो मैं क्या ट्राई करता हूं। एंडी, फ्लो के बीच में क्यों आता है बे? तुमने सीरियसली ट्राई किया था क्या? मैंने तो मस्त ट्राई किया सर, देखो आ गया। आप में से चैत्रा कौन है? मैं ही हूँ। आपके लिए गिफ्ट है मैडम। जल्दी ओपन करना, मुझे देखना है अंदर क्या है। बैंक ऑफ बटरफ्लाईज। अब तुम्हें कैसे पता कि अंदर क्या है? तो जल्दी ओपन कर। किसका था ये कोरियर? एकदम जबरदस्त है, मजा आ गया। रेडी, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया? ये सब अपने साई का सिंसियर ट्रायल था। ये क्या, इतना सब कुछ होने के बाद तो इससे कुछ नहीं कहेगी? लाइफ में बेकार की बातों पर ज्यादा रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये क्या है साई? वही सर, जितनी जरूरत है उतना ही बोलने के लिए कह रही है। 50 लाख रुपए देकर एक कुली का काम करना समझ में नहीं आ रहा। ये क्या समर प्रताप रेड्डी, इससे अच्छा तो एक इंसान दूसरे इंसान को मार ही डाले, वही बेटर है। बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट अच्छा था तुम्हारा। चैत्रा बटरफ्लाई नहीं है साई, कि उसे तुम डब्बे में बंद करके ले जाओ। सर, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए 5-6 साल मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लड़की का लवर बनने के लिए अपन उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं क्या? देखते रहिए सर, यहाँ पर चैत्री यहाँ आकर सेटल हो जाएगी। कितना बदतमीज था, तुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था? लड़कियों के बारे में गलत ओपिनियन है उसकी। अननेसेसरी लड़कियों के मामले में दखल दी तो क्या होता है, ये मैं उसे दिखा दूंगी। तेरी बातें सुनकर तो लग रहा है कि तू कोई प्लान बना रही है। मेरे प्लान से वो पागल हो जाएगा। इसने तो ड्रेस भी चेंज कर लिया यार। हम उसका एड्रेस चेंज करवा देंगे। ड्रेस अच्छी है साई, तुम मॉर्निंग से ज्यादा अभी फ्रेश दिख रहे हो। क्या है ना सर, मुझे कोई दूसरा काम धंधा नहीं है, इसलिए घर जाकर खाना खा के आराम करके आ रहा हूँ। तेरा ही काम अच्छा है बाबा, हम तो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अरे चढ़ो, जल्दी चढ़ो भाई, तुम्हारे लिए वेटिंग है। साई चलें क्या? मुझे तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है सर। अरे ऐसा मत कहो साई, क्यों मरवाना चाहते हो मुझे? अभी ऑफिस नहीं घर जा रहा हूँ मैं, मेरी बीवी बहुत स्ट्रिक्ट है, बॉस की तरह नहीं है। चलना यार, आते वक्त भी लेट, जाते वक्त भी लेट, कितना टाइम लगाएगा? साई, इफ यू डोंट माइंड, मैं फ्रंट सीट पर बैठ सकती हूँ? श्योर सर, अब बैक, विल गो। थैंक्स। देखा ना भाई क्या हुआ, आते वक्त पीछे जाते वक्त आगे। भाई ये साइड अच्छी, इसको खरीद करके यहाँ पर कंपनी बना लेते हैं, क्यों? नहीं होगा। नहीं होगा, वो सीएम का है, उनका मेरा गांव एक ही है। अरे गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी, यहाँ कोई उतरने वाला है क्या? यहाँ उतर के आप मेट्रो ट्रेन से चले जाएंगे। रेडी, चुपचाप उतर ले। अरे ऐसे कैसे उतर ले, सुबह आप ही ने बोला था कि मेट्रो ट्रेन रिपेयर में है। अरे वो काम खत्म हो गया है, चल उतर, हम लोग यहाँ से ऑटो करके चले जाएंगे, चल। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ जाओ उतरो। एक काम भी ठीक से नहीं करते, पीछे रास्ते पे उतार दिया। हेलो, तुम्हें सेपरेटली बोलना पड़ेगा क्या? ये 50 की पत्ती पकड़ो, नारियल पानी पीते पीते वेट करो, सर्विस ऑटो आ जाएगा, उसमें बैठकर अपने घर चली जाना। अगर और भी पैसे बचे तो अच्छा सा चॉकलेट खरीद कर उसे आराम से खा लेना। मुझे चॉकलेट खाने के लिए कह रहा है, बदतमीज। कॉफी पियेंगे? शॉपिंग मॉल चलते हैं। कौन से मॉल में? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कल चलते हैं ना? कल मॉर्निंग में आकर पिकअप कर लूंगा। ओके ओके। Now what's the plan? सबसे पहले ब्रेकफास्ट, उसके हजम होने तक शॉपिंग करेंगे। उसके बाद? उसके बाद जबरदस्त लंच, ईटिंग शॉपिंग, ईटिंग शॉपिंग। अच्छा है। But on one condition, बिल मैं भरूंगी, ओके? ओके। चलो। चिकन स्प्रिंग रोल्स, तंगड़ी कबाब, बिरयानी, रोटी।
सॉरी मैम, नो कार्ड ओनली कैश। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने पहले पूछा नहीं। ओए, ठहरो मैं भरता हूँ। भैया कार्ड चलेगा? बिल्कुल चलेगा मैडम। ये लीजिए, ये लेटेस्ट मॉडल। एक अच्छा सा फोन दिखाइए ना। ये लीजिए, ये है नोकिया। कुछ इससे भी अच्छा? ये है गैलेक्सी का नया मॉडल। वाओ, फोन मस्त है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, इसके साथ कोई फ्री गिफ्ट है क्या? ये आएगा ना, इसे ले जाओ। कार्ड में पैसा नहीं है मैम। और एक बार चेक करो ना। चेक किया, पैसा नहीं है। अरे ठीक से चेक करो भैया। चेक किया, पैसा नहीं है। दे दो। चैत्रा, चैत्रा रुको। मैं देता हूँ ना। नहीं साई, अमाउंट ज्यादा है। तुमसे तो ज्यादा नहीं है ना। प्लीज नहीं। प्लीज ये लीजिए। ओके, तो टेंशन मत ले यार, अपना साई है ना। थैंक्स यार। तुम्हें छोटा मोटा कुछ चाहिए? ले लो ना। इस फोन से फर्स्ट फोटो साई का ही खींचूंगी। गुड आइडिया। करेक्ट बोली। रेडी? रेडी। क्लिक करो। अरे वाह साई, एक और। टारा टारा। एक और, एक और, एक और प्लीज। रजनी रेड वाला, येलो। साई ये लेडीज सेक्शन है। ओह ओके। हेलो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, बस तुम अपना कार्ड दे दो प्लीज। ओके श्योर, टेक इट। क्या हुआ यार? ओए, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है? 30,000 रुपए होंगे और क्या। माँ को एक बार फोन देना। हाँ चाची। क्या है? साई का कॉल है, बात कर लो। हेलो माँ, अर्जेंटली मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए डाल दो। 1,00,000 रुपए? क्या हुआ बेटा तुझे? अरे माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस कार्ड में पैसा खत्म हो गया है। ये पैसे ले जाकर जल्दी से उसके अकाउंट में डाल दे। हाँ, कलेक्शन बहुत अच्छा है सच में। इतनी जल्दी खत्म हो गया? अरे और कुछ ले लो। ए निकिता, इसे ट्राई करो ना, तुम्हें अच्छा दिखेगा। हाँ जरा से देख तो सही, कितना एडवांस हो रहा है। कार्ड में पैसा खत्म हो गया है, उसमें आने में टाइम लगता है, और शॉपिंग करेंगे चल। आई थिंक हमें मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, अगले 5 सालों तक शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी। पैसे आ गए। ओके, कितने भी शॉपिंग करने दो। थैंक्स साई, मैं पैसा लाती हूँ, रुको। नो मनी, तुम हैप्पी हो ना? बस साई, मैं भी ना बहुत हैप्पी हूँ। मैं भी बहुत हैप्पी। ओके साई, अब एक लास्ट एंड फाइनल फोटो प्लीज। ओके। माँ। अरे बेटा तुम आ गए, कहाँ थे सुबह से? आप चुप रहिए, जाकर खाना पकाइए। क्या हुआ बेटा तुझे, क्या हुआ? 1,00,000 रुपए का क्या किया नहीं पूछोगी क्या? अरे पहले तू मेरे लिए, बाद में वो 1,00,000 रुपए। मगर मेरा ऑर्डर चांस, आज के बाद आपका सेकंड प्लेस। हाँ फर्स्ट प्लेस वाली लड़की का नाम क्या है? सो स्वीट। वो लड़की कैसी है नहीं पूछोगी? अरे मुझे सेकंड प्लेस पर भेज दिया तो वो लड़की खूबसूरत ही होगी ना। तू खुश है तो मैं 10th प्लेस पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। चल खाना खा के सो जा। शॉपिंग कर करके थक गई होगी मेरी डार्लिंग। हाय आंटी। हेलो अंकल। हाय बेटी, आओ नाश्ता कर लो। आप फेसबुक फॉलो नहीं करती हैं क्या आंटी? अभी अभी मसाला डोसा खाती हुई पिक्चर मैंने अपलोड की है फेसबुक पर। नाश्ता करने के लिए भी फेसबुक खोलना पड़ेगा क्या? अंकल हम लोग क्या कर रहे हैं ये सबको पता होना चाहिए। मेरी बेटी को तुम अपने जैसा मत बनाओ। वेल यू आर टू लेट आंटी, चले। ये ले देख। ओह माय गॉड, 70 missed calls। लगता है बहुत मिस कर रहा है तुझे। और 70 messages भी, लव यू, मिस यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझसे पंगा लेगा तो गूगल को भी नहीं मिलेगा, ऐसा कर दूंगी। शॉपिंग के बहाने सिर्फ उसका वॉलेट खाली किया है, अब देख मैं उसका क्या हाल करती हूँ। क्यों सर बुलाया? अरे आजो आजो साई भाई, बैठो। अच्छा, तुम हो। क्या भाई, कल तो उनको बड़ी भारी शॉपिंग करवा दी। मोबाइल वो खरीदे, बिल तुम भरो, खाना वो खाए, बिल तुम भरो, लगता है तुमको लूट लिया। अरे चैत्रा डार्लिंग ने इतनी जल्दी शेयर भी कर लिया तुमसे। सिर्फ हमसे ही नहीं, फेसबुक पर शेयर किया है उसने, ये देखो। कितनी फोटो निकाली है, कितना कैरी बैग उठवाया है तुमसे। Mm-hmm.
फोन। हेलो। कहाँ हो? हैंगिंग गार्डन में आइसक्रीम खा रही हूँ। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर मुझे बुलाया होता तो मैं भी आ जाता, कम से कम तुम्हारा बिल तो भरने दो। ओके। ये लड़का भी ना अपनी सारी दौलत बेचकर हमें मेंटेन करने में लगा है। रेड्डी। हाँ भाई। तुम्हें ग्राफिक्स बनाना आता है ना? क्या ग्राफिक्स करना है ये बोलो, कौन लड़का है कौन लड़की कोई पहचान नहीं पाएगा, दुनिया घुमा दूंगा मैं। पता नहीं यार क्या लेकर यहाँ क्यों आ गया। साई मुझे टूटी फ्रूटी चाहिए। देता हूँ तुम्हें टूटी, इसे फ्रूटी, दोनों को देता हूँ। साई क्या हुआ तुम्हें, पीकर आए हो क्या? अगर मैं पीकर आता ना तो तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं उन्हें उतार कर तुम्हें मारता। बोलो पीके आऊं? बेकार में इसके दिलाए हुए कपड़े पहनकर आ गए, ये तो उतारने की बात कर रहा है। पागलों जैसा बिहेव किया तो 100 डायल कर दूंगी, पुलिस वाले आकर तुझे 108 में अंदर डाल देंगे। करो 100 नंबर पर कॉल करो। माइंड योर टंग। ए तुम चुप रहो, इसी टंग की वजह से मेरा लाखों रुपया खर्च करके तुम लोग यहाँ पे ठंडे दिमाग से आइसक्रीम खा रही हो। क्यों किया तुमने ऐसा, तुरंत यू टर्न ले लिया। कितना प्यार किया मैंने तुमसे, तुम्हारे बारे में अपनी माँ से भी बोल दिया मैंने, मेरे लिए तुमसे वो बात करने के लिए भी तैयार हो गई थी। लड़कियों का प्यार तुम लोग जैसा सोचते हो उतनी आसानी से नहीं मिलता है, तुम्हें ये समझाने के लिए ही हमने ये प्लान किया था। क्लियर? क्या क्लियर पूछ रही है, हा? प्लान तुम्हारा ही नहीं मेरा भी हो सकता है, अगर मैंने प्लान किया तो कौन सी रेंज में रहोगी पता है? देखो। हे, सरा देख तो, मैं बिल्कुल सनी लियोनी जैसी लग रही हूँ। वो सनी लियोनी है, फेस तुम्हारा है, पर्सनालिटी उसी की है। तो बताओ इसके लिए किसे चूज किया है तुमने? नेक्स्ट आइटम वही है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? रिवेंज, तुम्हारा प्लान पर मेरा रीप्लान। अगर मेरा दिमाग हट गया ना तो और 10 लाख रुपया खर्च करके पूरे शहर में तुम्हारा लाइव शो टेलीकास्ट कर दूंगा। इमेज खराब हो जाएगी यार, अब तक हमारी शादी भी नहीं हुई है। शादी इतनी जरूरी है क्या? वो बेचारा तो ऐसे ही सुसाइड कर लेगा। साई लिसन, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब सारी फोटोज डिलीट कर दो। क्या मतलब? प्लीज, इट्स सो एम्बैरेसिंग, लीव इट। पहला फोटो मेरा निकालोगी? अभी निकालो। तुम दोनों मुझे सॉरी बोल रही हो ऐसा वीडियो निकालो, मैं फेसबुक पर डाल दूंगा। तुम रिकॉर्ड करना शुरू करो और तुम सॉरी बोलना स्टार्ट करो। चलो। सॉरी। क्लैरिटी 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 चाहिए, बोलो। SORRY सॉरी। और मेरा पैसा? सॉरी बोल दिया ना तुम्हें। अरे वो तो तुम दोनों ने मेरे साथ जो खेल खेला उसके लिए था। मेरा पूरा पैसा अभी के अभी मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अभी नहीं है, कल दे दूंगी। हाँ, मेरे बारे में पता है ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो ये सनी लियोनी पूरे जुहू सर्कल में होल्डिंग पर आ जाएगी। गुंडा मोबाइल सेलफोन और सिम कार्ड भी छीन लिया है। Excuse me. Me? जरा आपका फोन दे सकती है, मुझे अर्जेंट कॉल करना है। Okay. Sure. Thank you. Hello? कहाँ मर रहे हो? कौन है बे तू? चैत्रा हूँ। कहाँ हो? बिग बाजार में। और कितनी देर वेट करूँ मैं? वेट करो, तुम्हारे खरीदते वक्त मैंने वेट किया ना, और फोन खरीदते वक्त भी वेट किया ना। अगर ज्यादा बात करोगी ना तो जुहू सर्कल पर। हेलो हेलो। एक्सक्यूज मी। या थैंक यू। यू वेलकम। हेलो। अरे ये क्या बात हुई, बात कर रहा हूँ तो फोन क्यों कट कर रही हो? एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू मिस्टेकन। हाँ, पैसा लेने के लिए एक स्कीम और देते वक्त दूसरी स्कीम। अगर मैंने कोई स्कीम बनाई ना तो तेरी बैंड बच जाएगी। चल अब बता वो कहाँ है। हेलो, लिसन टू मी, शी इज नॉट हियर। ओके, उसे ढूंढो और ढूंढ कर उसके हाथ में फोन दो। नहीं तो मेरे मुँह से गाली सुनोगी। ओए खुदे ता पुत्र, तेनु मैं दसा ना, शी इज नॉट हियर। हेलो, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? लगता है या लगाऊं एक? जस्ट कीप द फोन। इसको तो बाद में देखता हूँ। फोटोज डिलीट करेगा तभी उसे पैसे देना। और कितनी देर वेट करेंगे, यहाँ वो बेवकूफ अभी तक नहीं आया। चल हम लोग चलते हैं। अरे ऐसा मत कर यार प्लीज, आंखें बंद रखती हूँ या खुली रखती हूँ मुझे तो बस वो सनी लियोनी ही याद आती रहती है। ओए तुम, मैंने सोचा कोई नई स्कीम बनाकर भाग गई होगी। साई भैया नमस्ते। क्या बात है, हम दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं क्या? जो भैया कह रही हो, जुबान काट के रख दूंगा तुम्हारी। ये लो तुम्हारे पैसे, गिन लो। अरे रुक जा, फोटो से डिलीट करने दे। तुम खुद ही डिलीट कर दो। इसमें तो फोटोज ही नहीं है। Where are my pics? तुम्हारी फोटोज को मैंने मॉर्फी नहीं किया है। कुछ लोग प्यार में अपनी जान दे देते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ।
लेकिन तुमने मेरे प्यार को इस तरह पैसे से तोला, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे लिए प्यार से खरीदा है, इसलिए तुम्हें इस्तेमाल करो। ऐसे अकेले में सोचने से अच्छा है तुम तुम्हारे दुख को किसी के साथ शेयर कर लो, मतलब मुझसे नहीं, मेरी जगह पर जो आई है ना उसके साथ। मैं तो उसी के बारे में सोच रहा हूँ माँ। मैंने उससे प्यार किया लेकिन उसने चीटिंग की, मुझसे 2 लाख रुपए खर्च करवाए, झगड़ा भी किया, लेकिन तुमने मेरे प्यार को पैसों से तोला, ये अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छा काम किया बेटा, मगर इतना होने के बाद भी तूने उसे सोचने का टाइम दिया। मेरा बेटा, सच में सोना है तू। मुझ जैसे लड़के से भी कोई लड़की नहीं पटती माँ। ओहो, तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर अब मैं बोर हो गई हूँ। लड़कियों को समझना मुश्किल है, इसीलिए सोच रहा हूँ। प्यार में फेल हुआ तो उस दर्द की एक ही दवा है बेटा, तुम फिर से प्यार करो। तुम जितने दिनों तक दुखी रहोगे उतना ही तुम्हारी तकदीर में आने वाली लड़की लेट आएगी। सब भूल जाओ, हैप्पी रहो बेटा। भाई एक मिनट रुक जाओ। क्या रेडी? तू पीता आधा कप और देता है इतना बड़ा बिल्डअप, चल रेडी। भाई सडनली ये पार्टी क्यों? साई को 2 लाख की लॉटरी लगी है ना। कैसी लॉटरी भाई? क्या रेड्डी, तुम्हें सब कुछ आसान करके बताना पड़ता है। उस लड़की पर जो 2 लाख रुपए खर्चे हुए थे इसने वापस ले लिए हैं। क्या ये सच है भाई? फेसबुक पर रखा है ना, देखा नहीं क्या? भाई तुम तो तोप हो, तुरंत खानो, 30 मार खानो, सबसे बड़े खानो। मेरी बात मानो, लड़कियों पर कभी भरोसा मत करना, लड़कियां बहुत परेशान करती, कभी मत छोड़ना उनको। अच्छा यार दिलवाया तूने, कैसे गाली दी है उसने। अभी किसे फोन कर रहा है साई? पंजाबी भाषा में मुझे गाली दे रही थी, अब देखना मैं कैसे गाली देता हूँ। भाई आपको पंजाबी भी आती है क्या? रेड्डी तू पीता क्यों है जो भाषा में नहीं आती उसमें गाली देने के लिए? ए साले, सुबह सुबह तूने मुझे दी थी गाली, अभी मैंने पी है दारू, अब तेरी मौत का खेल शुरू। ए मॉर्निंग में यही रिजेक्ट कर रहा था, अभी बताती हूँ इसे, मैं मर जानी कुत्ते कमीने, देख लेना तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। स्पीकर ऑन कर। काले कलूटे बंदर कमीने कुत्ते, आइंदा फोन किया ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुंह बंद करके रहो। यू इडियट रास्कल। एक नंबर लिख। हाँ भाई। 9956211179। इसका क्या नाम है, कहाँ रहती है, क्या करती है, इसकी हॉबीज, इसका एजुकेशन, असल में वो क्या चीज है, सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। लड़की का नाम सिमरन, पंजाबी है, बैंक में काम करती है और हॉस्टल में रहती है। सिमरन नाम की पंजाबी लड़की है, कहाँ है वो? सिमरन मैडम लोन सेक्शन में, तुम कौन हो? थोड़ी देर बाद उसका होने वाला पति हूँ, हिंदी में जितनी गालियाँ सुना देता हूँ ये सुनकर वो पंजाब जाना ही बेटर है ये सोचकर भाग जाएगी। नागराज जी मैडम, वो आदमी आंखें खोलकर सो रहा है, जरा देखो। सर सर आ? आपको सिमरन मैडम बुला रही है सर। क्या चाहिए? लव। व्हाट? लोन, दरअसल मुझे लोन चाहिए। किसके लिए चाहिए? मेरी कैब सर्विस है, मेरे पास 10 कार हैं और एक कार के लिए मुझे लोन चाहिए। ओके ओके, पहले अकाउंट खोलना होगा और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे आपको। और आप कितने देर तक रहेंगे? 2 घंटे। मैं 1 घंटे में ही आ जाऊंगा। इतनी जल्दी आ गए आप? आपके किसी पहचान वाले का इस बैंक में अकाउंट है क्या? आपके अलावा मैं इस बैंक में किसी को नहीं जानता हूँ। पर मैं आपको नहीं जानती। तो फिर मैं आधे ही घंटे में आ जाऊंगा। मैं 15 मिनट में चली जाऊंगी, कम टुमारो। सबसे इंक्वायरी करने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे ये आंटी मिली है, इनका इस बैंक में अकाउंट है। प्लीज बैठिए, डॉक्यूमेंट सब ठीक है, 2 घंटे में प्रोसेस पूरा हो जाएगा। सब ठीक रहेगा तो इतनी जल्दी हो जाता है क्या? हाँ। एक बार फिर से चेक कीजिए ना। ओह माय गॉड, एड्रेस प्रूफ मिसिंग।
अगर आप नहीं बताते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मुझे भी प्रॉब्लम होगी, मैं 15 मिनट में आ जाऊँ। या आपका पैन कार्ड मिसिंग है। मैं 15 मिनट में आ जाऊँ। एक हफ्ते से मैं सिर्फ आप ही का काम कर रही हूँ। लेकिन इस बार सभी पेपर्स करेक्ट ले आऊंगा। मैं समझ गई, आपको लोन की जरूरत ही नहीं है। क्या चाहिए आपको? कॉफी। एक साथ कॉफी पीने के लिए एक हफ्ते से परेशान कर रहे थे। क्यों? तुम्हें एक हफ्ते पहले कॉफी पीने बुलाता तो तुम कितनी गालियाँ देती, और एक हफ्ते बाद जो बात बोलने वाला हूँ वो अभी कह दूँ तो तुम और कितनी सारी गालियाँ दोगी। इस वक्त साथ में बैठकर कॉफी पी रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, साथ में कॉफी पी रहे हैं और भी पियेंगे, आराम से बैठेंगे और बातें करेंगे और बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ओके ओके, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? रुको, बिल मैं भरती हूँ। खुद कॉफी पीने से ज्यादा अच्छी फीलिंग पिलाने में होती है, पता है? सिमरन, तुम एक बात जानती हो, इस दुनिया में सारे लड़के लड़कियों से हमारी तरह ही मिलते हैं। हाँ, और मिलने के बाद थोड़े लोग अलग हो जाते हैं, थोड़े लोग मिल जाते हैं, और उनमें से सिर्फ थोड़े लोग जिंदगी भर साथ रहते हैं। लंच टाइम में कोई कॉफी पीता है क्या? इसीलिए तो लंच करने के लिए आया हूँ। कॉफी पीने के लिए बुलाने में एक हफ्ता लगा, लंच के लिए बुलाने में एक भी दिन नहीं लगा तुम्हें। इस एक दिन में मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ? हाँ तो मत करो। तो मैं लंच पर नहीं आऊंगी। भरोसा ना करने के लिए हाँ कह रहा हूँ, लेकिन आने के लिए तुम्हें मना नहीं करूंगा। मेरा कार नंबर नोट करके अपने फ्रेंड को SMS कर देना, या मेरे सारे पेपर्स अपने बैग में रख लेना, या रोज कराटे कुंग फू की प्रैक्टिस करना। हाँ, इतनी मेहनत करके तुम्हारे साथ घूमना जरूरी है? ठीक है, तो फिर एक बार पसंद करके देखो, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मेरी पसंद की जगह और मेरी पसंद का लंच हुआ तो ओके, लेकिन अगर वो जगह मुझे पसंद नहीं आई या लंच मुझे पसंद नहीं आया तो दूसरे लड़का लड़की के जैसे हम दोनों अलग हो जाएंगे। ओके? थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ओके। ये कैसा रेस्टोरेंट है, बोर्ड भी नहीं है। बोर्ड नहीं तो क्या हुआ, भोजन अच्छा रहता है, मैं बचपन से यही खाता हूँ। चले कम। माँ पापा। क्या हुआ बेटा? माँ पापा बहन, ये घर में फ्रेंड और बाहर असिस्टेंट, और ये सिमरन है। हेलो। ये तुम्हारा घर है? बेकार में इन सबको क्यों तकलीफ दे रहे हो तुम? कोई तकलीफ नहीं है पापा। हाँ। सिमरन को मैं बेस्ट फूड खिलाऊंगा, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया है। अच्छा। ये पंजाबी है, ओके? मैं किसी भी तरह का खाना खा सकती हूँ। तुम परेशान मत हो बेटी, मुझे पंजाबी फूड बनाना आता है, मैं एक्स मिलिट्री कुक हूँ। जस्ट अ मिनट। पंजाब की है, बहुत दूर की है, छोटी छोटी बातों के लिए माँ के घर नहीं जाएगी। करेक्ट माँ, कैसी है? अरे बहुत ही मस्त है बेटा, फर्स्ट प्लेस के सारे लक्षण दिख रहे हैं। एक मिनट, खाने से पहले तुम प्रेयर करती हो क्या? नो अंकल। बहुत बढ़िया, मैं भी नहीं करता, शुरू करो। अंकल खाना बहुत टेस्टी बना है। ये लोग रोज मेरी तारीफ करते हैं, मैं ही पूरी फैमिली को बनाकर खिलाता हूँ। तारीफ सुनना मेरी वीकनेस है बेटी, थैंक यू वेरी मच। मेरे बेटे से क्लोज होने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटी, ये एक बार कनेक्ट हो गया तो डिस्कनेक्ट होने के लिए सामने वाले को मरना पड़ेगा, वरना ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ये कुछ कहना चाहिए? अगले महीने से 10 लाख की VC तैयार करी हूँ, तुम्हारे बैंक में कोई हो तो बताना। ये क्या माँ, बैंक में काम करने वाली आपके पास क्या पैसे जमा करेगी? अगर बैंक लूट गए तो कम से कम मेरे पास तो पैसे होंगे। जाकर अपनी पढ़ाई कर। बेटी इसे अपना ही घर समझना, तुम्हारा जब मन हो चली आना, ठीक है? ओके आंटी। चले। थैंक्स आई, तुम्हारी फैमिली को देखने के बाद मुझे अपनी फैमिली की याद आ गई। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? बड़े चाचा जी, छोटे चाचा जी, नानी जी, दादी जी, छोटे मामा जी, बड़े मामा जी, भैया, भाभी। हम आपके हैं कौन फैमिली? क्यों बेटी, गुरुद्वारा जाकर आई कि नहीं? सुबह ही गुरुद्वारे जाकर आई दादी माँ। चलो चलो चलो। कहाँ पर? अपने झूठ को सच करने के लिए, लेट हो गए तो गुरुद्वारा बंद हो जाएगा, जल्दी करो। चलो चलो।
ये क्या सुसाइड अटेम्प्ट है क्या? या तुम्हारी तरह किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया? मेरे साथ चलो। कहाँ चलना है? वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सीरियस है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। साई प्लीज, तुम पर भरोसा नहीं करूंगा मैं। I'm serious, तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए टाइम नहीं है। 108 पर कॉल किया है, वो लोग आ रहे हैं, आ रहे कब से कह रहे हैं, हेल्प करो। I'm serious। ये क्या है, किसे धमकी दे रही हो? मैं नहीं आने वाला। Idiot, बोला तो समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, What happened? क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर। ये लोग आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं, रोड पर गिरे थे तो ले आए। सच में? हाँ सच में डॉक्टर। ओके, पहले आप लोग फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। I appreciate you both. आप लोगों की वजह से हम लोग आज एक फैमिली को बचा पाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। चलो। मैं ऑटो से चली जाऊंगी। आधी रात को ऑटो नहीं मिलती है, अगर मिली तो सेफ में नहीं रहोगी। चलो। सॉरी, तुम्हें मुझे डांटने का हक है, मगर मुझे तुम्हें उस टाइम पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो मारने का तुम्हारा हक भी था, मैंने बात ही वैसी की थी, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मॉर्निंग हॉस्पिटल जाकर गुड नाइट। मॉर्निंग हॉस्पिटल जाकर गुड नाइट। गुड नाइट। अब वो लोग ठीक हैं, अब फॉर्मेलिटीज पूरी करके डिस्चार्ज ले लीजिए। कोई बात नहीं है डॉक्टर, उनका सारा बिल मैं पे कर दूंगी। मैं अभी तुम्हें फोन करने वाला था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जो हमारी हेल्प की है उसके लिए थैंक्स बोलना बहुत छोटी बात होगी अगर तुम नहीं होते। अरे आंटी जी, मैंने हेल्प नहीं की, मैं तो मान भी नहीं रहा था, यूं ही छोड़कर चला जा रहा था, उतने में ये लड़की आ गई और मुझे एक थप्पड़ मारकर यहाँ लेके आ गई। ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी, अगर साइलेंट रहते तो थप्पड़ नहीं खाते। वो बुढ़िया इतनी वाइल्ड रिएक्ट होगी, ये मैंने सपना देखा था क्या? क्या बात है, सुबह सुबह हॉस्पिटल में आए थे, कहीं मुझसे मिलने तो नहीं आए ना? मैं तुमसे मिलने नहीं, उन लोगों को देखने आया था। तो फिर रात को मैं नहीं आऊंगा क्यों कहा था? तुम पर जो गुस्सा है वो अब तक कम नहीं हुआ है। सच कहती हूँ, मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए ऐसा नहीं किया था, लेकिन हाँ मैं तुमसे छुटकारा जरूर पाना चाहती थी। हा? एक लड़की छुटकारा कब पाना चाहती है ये तुम्हें पता है क्या? कोई भी चार बार मेरे पीछे आएगा तो पड़ जाएगा, ऐसा डाउट आता है तब। तुम्हें डाउट आया है क्या? तभी तो नहीं आया था। तो अभी तुमसे तो कुछ भी बात करो कुछ ना कुछ होता ही है। पैसों की वजह से मिले हुए लोगों से ज्यादा अलग होने वाले लोग ज्यादा हैं। मेरा कार्ड रख लो और शॉपिंग कर लो। नहीं चाहिए, मैं सामने वालों को यूज करने वालों में से नहीं हूँ। वही तो, ये मुझे तुमसे लाइफ लॉन्ग सुनना पड़ेगा, इसलिए ये यूज कर लो। लाइफ लॉन्ग बोलने के लिए तुम्हारा ये कार्ड यूज नहीं करूंगा। अगर ऐसा है तो उस 200,000 से मैं तुम्हें खाते दिलवाती हूँ, फिर देखना उसे पालते पालते मर जाओगे। स्टॉप 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 स्टॉप, कल सुबह 9 बजे तक रेडी रहो। वो किस लिए? यहाँ मिस्टर साई कौन है? मैं ही हूँ। डिलीवरी सेफ हुई है, आप अभी कार के ओनर बन चुके हैं सर। क्यों भाई, एक बच्चे का बाप बना है ऐसे बोल रहे हो? अरे ऐसे बोलो ना, कार का ओनर बना है। मॉर्निंग में बुकिंग, दोपहर में मैडम ने कैश दिया, इवनिंग में डिलीवरी, ये रही कीज, वो रही कार। कौन सी मैडम? इस जमाने में अनजाने को कोई चॉकलेट भी नहीं देता तो फ्री में कार कौन देगा सर, आप ही के मैडम ने। अब ये कौन सी वाली मैडम है? रेड्डी, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इसने जिस बैंक में अकाउंट ओपन किया है ना, लोन और लड़की दोनों साथ में मिल गए। हाय चैत्रा। हाय। क्या बात है, तुमने कार गिफ्ट की है? मेरी फेवरेट कार तुम्हें ड्राइव करते हुए देखना चाहती हूँ। अच्छा, जाकर वो टी शर्ट चेंज करो। सामने वाली ऑटो में बैठी हूँ। क्या चमकती कार है, कैसे बनती होगी? गेहूं का आटा मिट्टी में मिलाकर बनाते हैं, तू भी कैसी बात करता क्या है? क्या सर, रोटी के बारे में थोड़ी ना पूछा जा रहा है साई। उस लड़की को थैंक्स कहने के लिए सर। लड़कों को थैंक्स बोलना चाहिए और लड़कियों को पार्टी देनी चाहिए। ओए वल्ले वल्ले। सर, सर, समाटी सर, जिसने मुझे कार गिफ्ट की है ना, वो पंजाबी लड़की नहीं, आपकी चैत्रा है।
कार्ड नहीं लिया तो कार प्लान किया क्या? तुम्हारा पागलपन तुम्हारे पास, मेरा हिसाब मेरे पास। अच्छा, 2 लाख भर दिए तो हो गया, बाकी के कौन भरेगा? तुम। जब भी तुम EMI भरोगे तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। ये कार हमारी है, याद रहे इस सीट पर मेरे अलावा और कोई नहीं बैठना चाहिए। एक्सेप्ट योर मदर। तो मेरी बहन बैठ सकती है? ये मेरी बहन है, साली है, गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। अच्छा, ए, मरना है क्या? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? इतनी धीमी स्पीड में अगर तुम ब्रेक लगाओगे तो मुझे कुछ होगा क्या? नई कार को थ्रिल के साथ चलाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना। आ जाओ, अरे आओ ना, कितना थ्रिल है, जरा मैं भी तो देख लूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो। अरे बाप रे, इतनी स्पीड क्यों? मुझे डर लग रहा है। स्लो स्लो। तेरी तो। सीट बेल्ट बांध लो। ए, स्लो करो यार, ये आउटर रिंग रोड भी नहीं है। आउटर रिंग रोड पर एल बोर्ड लगाने वाले ही साई जैसे चलाते हैं, बट चैत्रा सिटी की गली में भी ऐसे ड्राइव करेगी। अरे स्लो 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 चलाओ यार। प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे वर्ड्स मत इस्तेमाल करो। ब्रेक मारो कह रहा हूँ, ब्रेक मारो। साई। हाँ, क्या हुआ? ब्रेक नहीं लग रहा। क्या ब्रेक नहीं लग रहा है? अरे ये क्या, अरे नई कार को भी ब्रेक नहीं लगता? अरे ये क्या? हाँ, अरे कुछ तो करो। हाँ। हैंड ब्रेक लगा दिया। अब तो मान गए ना तुम, स्पीड से भी ज्यादा तुम्हारी टेंशन देखकर ज्यादा एक्साइट हो गई हूँ मैं। हेलो। हेलो साई। क्या हुआ? मलिका बहुत बड़ी मुसीबत में है। कहाँ है वो? हाईवे वाले फार्म हाउस में। तुम कहाँ हो? I'm going there. मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, तुम बुरा मत मानना, ओके? क्या हुआ? डिटेल्स मुझे भी नहीं पता। पार्टी के लिए वो यहाँ आई थी, 15 मिनट पहले फोन करके मुझसे कहने लगी मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। चलो। सर हमने रेड की है सर, अभी तो एक ही मिला है सर, बाकी के 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं सर, यहीं कहीं आसपास ही होंगे। सर आपसे बात करनी है। ये कौन है, यहाँ कैसे है? सर सर एक्चुअली मेरी बात तो सुनो यहाँ से। चलो। लेकिन सर साइड से सुनिए प्लीज सर। पकड़ लो इन्हें। जी सर। जीप में बैठाओ। चल बैठ, चलो। इतना रिस्क किस लिए? सर वो लड़की मेरी पहचान की है और वो बहुत अच्छी लड़की है, फ्रेंड्स के फोर्स करने की वजह से यहाँ आई। पकड़े जाने पर सब लोग ऐसा ही कहते हैं, ये पार्टी में आने से पहले सोचना चाहिए, अगर लड़की अच्छी ही है तो रेव पार्टी में क्या कर रही है? यहाँ मैटर रेव पार्टी का नहीं है सर, लड़की के बारे में है, अभी उसे अरेस्ट किया तो उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। प्लीज सर। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम, क्या लगती है तुम्हारी? मेरी बहन जैसी है सर। सच बताओ। मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है सर। सर लड़कों की जिंदगी कैसे भी रहने दो, लेकिन लड़कियों की जिंदगी बहुत ही डिसेंट होनी चाहिए। प्लीज सर आप चाहो तो मेरा ये ब्रेसलेट रख लीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए सर। उस लड़की को छोड़ दो। क्यों मल्लिका, पार्टी में बहुत एंजॉय किया ना? याद रखना ऐसी पार्टीज में एंट्री करने से पहले एग्जिट का प्लान भी बना लेना चाहिए। क्यों सिमरन, वैसे भी इस उम्र में ना एंजॉय करो तो कौन सी उम्र में करेंगे? पार्टी डिस्टर्ब हुई है तो कुछ फील मत करना, किसी और पार्टी में चलेंगे। ए मल्लिका चलो आ जाओ। ये सब क्या है साई, तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा? उसे डांटने की बजाय तुम इतने कूल कैसे रह सकते हो? अगर गलती की है तो डांटता हूँ, फिर भी गलती नहीं करेगी इसकी क्या गारंटी है? अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, ऑलरेडी वो महसूस कर रही है। एक बात बताओ सिमरन, उसने तुम्हें ही फोन क्यों किया? तुम पर भरोसा है इसलिए, उस भरोसे को ऐसे ही रहने दो।
अपने प्यार में हमेशा फ्रीडम रहना चाहिए, उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए। मल्लिका, अपने से ताकतवर आदमी को तुमने मारा है, तीन लोगों का खाना तुम अकेले खा जाते हो। हाउ कैन आई बिलीव यू? मान क्यों नहीं रही है तू? क्या ढूंढ रहे हो, झूठ? सिगरेट। ओ, स्मोकिंग? मुझे भी एक दो ना, मुझे भी चाहिए। तुम और स्मोक? क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने एक पार्टी में जाकर एक आदमी को मारकर अपने फ्रेंड को बचाया है। तुम चाहते हो ये बात मैं मान लूं, मगर मैं स्मोक करती हूँ, इस बात को तुम नहीं मानना चाहते। ओहो, क्या है ये? स्मोक करोगी बोल रही थी ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तुम तो सीरियस ही हो गए। स्मोकिंग करना बुरा होता है, तुम्हें पता नहीं क्या? कितना प्यार किया तुमसे, तुम्हारे बारे में अपनी माँ को भी बता दिया। प्यार किया है तो जान भी दे सकता हूँ, मैंने भी वही किया। तुम्हारे लिए जो भी प्यार से खरीदा है वो सब तुम्हारा है। कहाँ हो? मेरे बैंक वाले जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हें इनविटेशन की क्या जरूरत है, आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो साई, कहाँ हो तुम? सौदामिनी रिसोर्ट में। क्यों? कुछ नहीं, मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगी। साई, इतनी जल्दी क्या है? ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। मैंने इतने दिनों तक जो वेट किया वो इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं, बल्कि मेरे बारे में तुम जान सको इसलिए। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो मैं जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? आई लव यू। आई लव यू टू। उस दिन बताया था ना, हम जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियां थोड़े दिनों तक साथ में रहेंगे, मगर तुम और मैं जिंदगी भर साथ में रहेंगे। मिस सिमरन कौर, प्लीज कम टू द डेस। हेलो, मैं भी यही हूँ। यहाँ कहाँ? स्विमिंग पूल के पास आ जाओ। अच्छा, आ रहा हूँ। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। आई गॉट ऑल द हैप्पीनेस दैट आई वांटेड। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। हाय, क्या बात है, इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी ही है। मैं भी जल्दी में हूँ। हम जब भी मिलते हैं तब कुछ ना कुछ तो होता ही है। अभी देखो ना, हम इतने कूल है, पता नहीं क्या होगा। अरे, Love is knowing all about someone. अरे जान निकली जा रही है, क्या बात है, जल्दी बोलो। तुम्हारी जान निकली जा रही है, पहले तुम मुझे आकर मिले, फिर मेरी लाइफ से गायब हो गए, अब फिर से मेरी लाइफ में क्यों आए हो तुम? तुम तो पागल हो,
एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन मुझे हॉस्पिटल ले गई, नई कार दिलवा दी, रोज रोज याद आता हूँ ऐसे बोल रही हो। असल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ बोलो। आई लव यू। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे पागल, तुम्हें आई लव यू बोलकर 3 महीने हो चुके हैं, तो अभी वापस क्यों बोलूं? तेरा दर्द मैं समझ रहा हूँ रेड्डी। एक लड़की तुझसे पटी नहीं, साई ने दो पटा ली, इसीलिए जल रहा है ना। एकदम करेक्ट बोला है आपने। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? तेरे बारे में सब जानता हूँ मैं, मुझे ये तेरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर लड़कियों का क्या होगा? आप निगेटिव आदमी की तरह सोच रहे हो सर। अभी तुझे ऐसा ही लग रहा है, जब दोनों को पता चलेगा तो तेरा क्या होगा? पता चल गया नहीं सर, बल्कि मैं खुद ही सच बात बता देना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे क्या लगता है, वो दोनों ट्विन बेबी है जो गले लग जाएंगी या दोनों क्लोज फ्रेंड है? वाह सुपर सर, क्या सुपर आइडिया दिया है आपने। क्या आइडिया दे दिया मैंने? वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोला था ना, पहले वो काम शुरू कर देता हूँ। क्लोज फ्रेंड्स? अच्छा, क्लोज फ्रेंड्स से क्या होगा? मैं उन दोनों के बारे में अच्छे से जानता हूँ, इसलिए हम लोग मिलकर रह सकते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को समझ गए ना और फ्रेंड्स बन गए तो खुशी खुशी रह सकते हैं। बस बात यह है कि उन दोनों को मिलाने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए, एक एम्बियंस होना चाहिए और थोड़ी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। अगर सिंपली बता दिया जाए तो बैंकॉक जैसी जगह पर ले जाना पड़ेगा। तू जो प्लान कर रहा है उसमें दोनों आने के लिए माननी चाहिए। लड़कियां अपने लवर के बीच में कुत्ते को भी नहीं आने देती, तो फिर दूसरी लड़की को कैसे आने देगी? देख साई, तू इम्पॉसिबल गेम खेल रहा है, हार जाएगा। सर, प्यार करने वाले को धोखा देने से अच्छा हार जाना बेहतर है। थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ाओ। चलो बाइक चलाना तो मैंने तुम्हें अच्छे से सिखा ही दिया। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वही करना होगा। Your wish is my command, हुजूर। क्या करना है बोलो। तो तुम अपनी बैग भर लो, हम बैंकॉक चलेंगे। इतना एडवांटेज क्यों ले रहे हो? शादी के बाद जाएंगे ना। तो, तुम वैसा समझ रही हो क्या? हम दोनों जा रहे हैं तो डाउट होना क्लियर है, लेकिन हम तीनों जा रहे हैं। स्टॉप स्टॉप। वो कौन है? सिमरन। सिमरन कौन? सिमरन ना, गोरी सी ब्यूटीफुल लड़की है, बैंक में काम करती है पंजाब। मैं वो सब नहीं पूछ रही हूँ, वो तुम्हारी क्या लगती है ये पूछ रही हूँ मैं। बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो उससे मुझे क्या लेना देना? वो इसलिए क्योंकि तुम गुड गर्ल हो, ब्यूटीफुल गर्ल हो, क्यूट गर्ल हो, ये उसे पता होना चाहिए, तभी तो वो हमारी शादी के लिए मान जाएगी ना। हमारी शादी से उसका क्या लेना वो देना? किसी से भी प्यार करेगी, अगर मैंने बोल दिया तो वो उसे शादी कर लेगी। ऐसी फ्रेंडशिप है हमारी, उस फ्रेंडशिप की इज्जत तो करनी होगी ना। वो नहीं मानी तो मैं मनवाता हूँ ना, जैसे तुम्हें मनवाया है ना। तुम्हारी फ्रेंड लकी है। वो क्यों? तुम्हारे जैसा फ्रेंड मिला है ना इसलिए। लेकिन उसे मैं पसंद आऊंगी क्या? मुझे पसंद आ गई ना तो उसे भी डेफिनेटली पसंद आओगी, साथ में मैं जो हूँ तो देखना सिमरन को सुपर इम्प्रेस कर दूंगी मैं। अरे बापरे बापरे बापरे, तुम्हें धागा दे दो तो तुम उसमें फूल डालकर सीधे हार बना दोगी। बहुत सही हो तुम। कॉलिंग बेल एक बार ही बजाते हैं, इस तरह से बार बार नहीं बजाते, समझे भैया? क्या? हे साई, माय फ्रेंड। फ्रेंड हुआ तो क्या हुआ, एक बार ही दबाना चाहिए। साई, मीट माय ब्रदर कवलजीत सिंह। हाय। हाँ, कम इन। हाँ, नो प्रॉब्लम, वैसे भी तुम्हें हॉल तक ही आना है। हाफ एन आवर में बिजनेस मीटिंग है, 5 मिनट में दोनों को निकलना है यहाँ से। ऐसे अचानक क्यों आ गए, जल्दी बताओ। थोड़ी हवा खाने दो ना। हाँ, मेरे भैया को देखकर डर गए ना। थोड़ा सा डर गया था। ऑलरेडी 30 सेकंड्स हो गए हैं, जल्दी बोलो ना। देखो, मेरी 2 एक्सपेक्टेशंस हैं। नंबर 1, हम 2 हफ्ते के लिए बैंकॉक जा रहे हैं। ओके, और दूसरी क्या है? हमारे साथ कोई और भी आ रही है। अरे वही मेरी फ्रेंड है ना, चैत्रा। ओके है ना? नॉट ओके। जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे, नहीं तो तुम दोनों चले जाओ। ऐसे कैसे चलेगा, जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, मैंने फिक्स कर लिया है बस। पर हम दोनों के साथ वो क्यों जा रही है? हम दोनों का फ्यूचर उसी के हाथ में है इसीलिए। What do you mean? बैठो ना, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और मेरी छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से जानती है। अभी जो भी लड़का अपनी पसंद की हुई लड़की को अपनी माँ को तो दिखाता ही है ना, उसी तरह मैं तुम्हें उसे दिखाना चाहता हूँ। हमारी शादी होने के लिए उसे ओके करना पड़ेगा, शी इज एवरीथिंग फॉर मी। तो मैं क्या? यू आर माई हार्ट बीट यार, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज यार, प्लीज प्लीज। मैं नहीं आऊंगी, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होगा,
वो तुम्हारा हेडेक है, तुम ही हैंडल करो। भैया 4 मिनट्स हो गए। भाई मैंने घी में डाल के ना बादाम खाया था। पागल, ऐसे कुछ मत खाया कर। ठीक है, कुछ नया ट्राई करूंगा। प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ साई, क्या हुआ, कच्चा या पक्का? एक पक्का है सर, लेकिन एक कच्चा है। ये तो एक्सपेक्टेड ही था। देख, मैंने पहले ही बोला था ना, इट्स ऑल राइट। भूल जाने के लिए एक लगा ले। सच कह रहा हूँ, ये अंदर जाएगी और उसकी याद बाहर। उस लड़की का नाम क्या है? चैत्रा। निक नेम नहीं चाहिए, पूरा नाम बताओ मुझे। फ्लाइट टिकट्स बुक कराना है। चैत्रा वासुदेव। आई एम सॉरी साई, मैं बेवजह तुमसे नाराज हो गई। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर तुमसे नाराज हो गई तो पूरी लाइफ तुम्हारे साथ कैसे बिता पाऊंगी? अब मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम्हारी फ्रेंड को भी जरूर पसंद आऊंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ही गई तो फिर तुम हो ना मेरे साथ, सही कह रही हूँ ना? हाँ। साई, तुम्हारी फ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? कुछ नहीं, अगर होता तो उसे भी साथ ले जाने से हम दोनों को वहाँ थोड़ी फ्रीडम मिल जाती। ए, फ्री होने के बाद मुझे कॉल करना, फ्लाइट डिटेल्स दे दूंगी। ओके। ए साई, हार्ड बनाओ या सॉफ्ट? सर, ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा? हम तीनों बैंकॉक पटाया। हाय। ये क्या, तुम्हारी फ्रेंड को साथ नहीं लाए क्या? मैं नहीं लाया। क्यों? तुम्हें फील होगा ना इसलिए। गुड, तो फिर हम दोनों ही जाएंगे। वो फील करेगी। मुझे आकर 1/2 आवर हुआ है, तुम अभी अभी आए हो और वो तो अभी तक आए ही नहीं। उसके आने तक का वेट करने के लिए क्या वो गवर्नर है? ड्रेस बहुत अच्छा है। ड्रेस? इस ड्रेस के लिए कल मैं बहुत घूमी हूँ। तुम्हारी फ्रेंड को ऐसे ही पसंद है ना? हाय। हे साई। ये चैत्रा। चैत्रा, सिमरन। सिमरन, चैत्रा। हाय। क्या हम दोनों पहले भी कभी मिले हैं? क्या आपका फोन दे सकती है? ओके। ये क्या है? फोन पर बात कर रहा हूँ तो फोन काट रही हो? Excuse me, I think you're mistaken. वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, तुम भी कम नहीं हो। चलो शुरू हो जाओ। कहाँ मिले हैं ये याद नहीं आ रहा। दीदी, दीदी तुम्हारी एज क्या है? 22। मेरी भी 22 ही है। हम दोनों नाम से बुलाएंगे तो ही बेटर होगा। ओके सिमरन, दैट्स बेटर। तुमने तो कहा था ये ट्रेडिशनल है, सिंपल है, लेकिन इसने तो यहाँ एग्जीबिशन रखा है। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसी ड्रेस पहन कर आई होगी, उसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तुम बस कोऑपरेट करो बस। इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पता है? इसीलिए तू फ्रेंड है और मैं गर्लफ्रेंड हूँ। थैंक यू सिमरन। तुम जाकर बोर्डिंग पास ले लो और चैत्रा को तुम्हारी बगल वाली सीट नहीं मिलनी चाहिए। सिमरन को तुम्हारे बगल वाली सीट नहीं मिलनी चाहिए। इन दोनों को मैं फ्रेंड बना सकता हूँ क्या? थैंक यू। ये तुम्हारा रूम, ये तुम्हारा रूम, ये मेरा रूम। गुरुजी फोन है। सुब्बा रेडी है तो बोल दे, बिजी हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाद में करना। ये बताओ कहाँ हो अभी? बैंकॉक में आया हूँ। स्क्रिप्ट हो गई? अभी तो स्टार्ट हुआ है। अरे लेट होगा तो भी चलेगा, लेकिन कहानी बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए। गुरुजी से बात कराओ। जब देखो तुम्हें बात करना होता है, ओके, रिसेप्शनिस्ट है क्या? Hey. He is a famous writer. वो बिजी है। एक बार नमस्ते बोलना है भाई। सुन रहा हूँ, बोल। एक जमाने में मैंने लव कुमार की लिखी हुई स्टोरी को पूरे अमेरिका में अच्छे से फैला दिया था। इस बार की स्टोरी उससे भी अच्छी होनी चाहिए गुरुजी। यहाँ मुझे कुछ भी इंस्पायर नहीं कर रहा है। Sorry, your time is up. Hey, क्या यार, ये सुब्बा रेडी रोज मुझे फोन करके परेशान क्यों करता है? अरे वो तो करेगा ही ना। इतने सारे राइटर होने के बाद भी उसने तुम्हें हायर किया है कहानी लिखने के लिए, और तुम हो कि यहाँ बैठ के लड़कियों की देख रहे हो। अबे पागल बेवकूफ, मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, बल्कि उसके अंदर के फिक्शन को देख रहा हूँ, समझा? Come on, let us search for new love story. इस एज में? अबे लव का कोई एज नहीं होता, समझा?
अरे शिनो, मिल गई मुझे लव स्टोरी, इंटरनेशनल लव स्टोरी, यूरोपियन लड़का थाई लड़की, एक्सेलेंट जोड़ी। ये क्या पैसा दे रहा है उसे? आप अभी तक नहीं समझे क्या? एंटरटेनमेंट टैक्स है ये, ये कपल नहीं सेटिंग है। दो घंटे हमें ऐसे ही घूमना पड़ेगा। सिबू, मिल गई हमें लव स्टोरी, लड़की एप्पल के जैसी है, लड़का पाइन एप्पल। हाँ, एप्पल पाइन एप्पल, टूटी फ्रूटी लव स्टोरी है। रुक रुक, पाइन एप्पल लड़का नहीं है बे, वो तो लड़की है। हाँ सर, ये दोनों लड़कियां हैं। मतलब ये अफेयर नहीं, दोनों फायर है। फायर? हाँ, हमें पकड़ा तो हम लोग भी जल जाएंगे। चल सर, सुपर लव स्टोरी सर। अबे वो इंडियन है बे, वहाँ क्या स्पेशल है? सर सर सर, कहानी में ट्विस्ट, लव ट्रायंगल है सर। अबे वो लोग फ्रेंड्स होंगे। एक फ्रेंड है, दूसरी गर्लफ्रेंड है। देखो देखो, लेफ्ट वाले का हाथ कैसे दबा रहा है सर। नहीं यार, राइट साइड वाले का हाथ दबा रहा है वो। लेफ्ट वाली सर। नहीं बे, राइट साइड वाली का। लेफ्ट वाली। राइट साइड। लेफ्ट वाली। राइट। लेफ्ट। हम दोनों सही हैं, हमें स्टोरी की लाइन मिल गई बे। क्या सर? वो क्या है कि उन दोनों को लाइन मार रहा है। ओ, क्या ये बात दोनों लड़कियों को पता होगी? अबे वही बात तो हमें जाननी है। आजा। So sorry. तुमने जानबूझकर टोका है, क्या मैटर है बोलो? एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो दोनों मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। सेम टाइम टू लव स्टोरी क्या? नो, सिंगल लव स्टोरी विद टू गर्ल्स। ये बात वो दोनों लड़कियां जानते हैं, मतलब मुझे भी नहीं बताना चाहिए। टू स्मार्ट। क्या करते हो? लव स्टोरीज लिखता हूँ। अगर आपकी परमिशन मिल जाए तो आपकी लव स्टोरी पर मैं एक खूबसूरत नॉवेल लिखना चाहता हूँ। मेरी लव स्टोरी में जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स। मैं क्यों फ्रेंडशिप करूँ? क्या बे, क्या बातें कर रहे हो? वही पुराना दोस्त मिला है, नई बातें कर रहा है। अब तो ये अपने को फ्रेंड्स बोल रहा है। ठीक है यार, तीन चार दिन रहोगे ना तो मुझे फॉलो करना। क्या बोल रहा है सर? अरे क्या बोलता है वो छोड़ दो, यही हमारी स्टोरी का हीरो है। मतलब इसकी लव स्टोरी में खतरनाक ट्विस्ट है, हम इसका पीछा करेंगे और इस ट्विटर जनरेशन को एक ट्वीट लव स्टोरी दूंगा। गुरुजी, नॉवल लिखने के लिए गाली सुनना जरूरी है क्या? ए, तोता मैना की कहानी लिखते समय उसका रिसर्च करने के लिए मैं जेल भी गया था। ए? जाने दे, कभी और बताऊंगा। साई, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। I'm impressed. हाँ, ऐसा होगा तो हमारी शादी नहीं होगी। तो हम क्या करें? सिमरन को इम्प्रेस करना है ना। अरे चांस तो मिलना चाहिए ना। जिसके पास दिमाग होता है वो चांस का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद क्रिएट करता है। सही एक आइडिया है। कैसा आइडिया? सिमरन को अच्छा खाना खिलाएंगे तो थाई फूड में नॉनवेज खाना खिलाते हैं। एक्सीलेंट। पेट भर खाएगी तो रूम में जाकर आराम करेगी। हाँ। तो क्या करें? सी फूड ट्राई करो। पर तुमने कहा था उसे सी फूड की एलर्जी है ना, इसीलिए तो वो सी फूड खाएगी तो अपसेट होगी और तुम सैक्रिफाइस करोगी। कोई देखेगा तो मुझे फ्रेंड और उसे गर्लफ्रेंड समझेगा। हे भगवान, साई, बहुत भूख लगी है मुझे। अब क्या करें? मुझे एक मिनट दो, मैं अभी जाकर अच्छा खाना लाती हूँ। क्यों रे, वहाँ क्या चल रहा है बताएगा? ऐसे ही लड़की से बात कर रहा है। वो तो ऊपर वाला सीन है। एक्चुअली बताओ, तू एक लड़की दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। साई, तुम्हारी फ्रेंड तो मुझे बिल्कुल चांस ही नहीं दे रही है। उसने नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम खुद ही बना लो बस। वो कैसे? वो जो लाएगी खा लेना, सुपर है, अच्छा है, कह देना। कोई देखेगा तो मुझे फ्रेंड और उसे गर्लफ्रेंड समझेगा। क्या चीज है? What happened, Simran? Simran, क्या हुआ? Simran, Simran, you're okay ना? लगता है इसे देखकर इसे उठी आ रही। हटाओ इसे। अच्छा, हटाओ ना इसे, हटाओ, हटाओ। अरे इसे हटाओ यहाँ से, जाओ, ले जाओ यहाँ से, हटाओ। तुम्हें सी फूड से एलर्जी है ये चैत्रा को पता नहीं था, और तुम्हें जब से ऐसा हुआ है वो गिल्टी फील कर रही है और दिख ही नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मंदिर गई थी इसलिए दिखाई नहीं दी। बैंकॉक के भगवान से सिमरन के लिए प्रार्थना करके आ रही हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए पूरा बैंकॉक घूमकर वेज एप्पल, वेज ग्रेप्स, वेज बनाना, सारे वेज आइटम्स लेकर आई हूँ। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाने अनजाने में मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई तो ये मुझे करने दो, नहीं तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। दिखने में तो एरोगेंट लगती है पर बहुत अच्छी है। Yes, just leave it, okay? चैत्रा, क्या हुआ? ए स्टुपिड, कहाँ गए थे तुम? इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो तुम? अगर मैं नहीं होती तो वो लेडी बॉय पता नहीं इसके साथ क्या कर देती। लेडी बॉय, क्या हुआ था? Leave it, चलो let's go now.
नाइस एक्टिंग। उस दिन चैत्रा सिमरन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और आज सिमरन चैत्रा को इम्प्रेस कर रही है। थाउजेंड बार प्लान तो मस्त बनाया इसने, थ्रिलिंग लग रहा है। या इट्स द फुल अमाउंट। यू हैप्पी? कम ऑन मिस्टर, नो प्लीज लेट्स गो। नो 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 नो, लीव मी। ए सीनू लिख लो। साई अपने दोनों गर्ल फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में आया। हाँ। वो दोनों फ्रेंड्स बनेंगी या नहीं ये जानने के लिए वो बहुत बेकरार है। सर ये लव स्टोरी है, क्राइम स्टोरी नहीं है। अबे पागल बेवकूफ सीनू, अब ट्रैक बदल चुका है, आजकल क्राइम लव स्टोरी ही चल रहा है। क्या बात है, तुम अकेली क्यों हंस रही हो? वहाँ देखो सिमरन ड्रिंक कर रही है, उसके ड्रिंक में टेकीला मिक्स किया है मैंने। पागल हो क्या, वो क्यों मिलाया? अरे मैंने उसे रुलाने के लिए नहीं किया है, टकीला अंदर जाते ही उसके मन में जो छुपा है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। उसे मैं पसंद हूँ या नहीं ये जानना जरूरी है ना, तुमने ही मुझे उसे इम्प्रेस करने के लिए कहा था ना। उसे ये बात पता चले तो तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचेगी। अरे उसकी तो मैं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे बाप रे, तुम्हें हुआ क्या है? साई ये कोल्ड ड्रिंक ना बहुत खतरनाक है। ये सिमरन ने दी है क्या? हाँ। चलो सिमरन, सीधा सीधा जवाब दो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तू कोई एलिजाबेथ क्वीन है क्या जो मुझे तुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा ताकि तू मुझे परमिशन दे सके? साई ने कहा है सिर्फ इसीलिए मैं चुप बैठी हूँ, वरना मैं तुझे कब की खत्म कर चुकी होती, समझी? ए तू अपनी बकवास बंद कर, अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरा पासपोर्ट फाड़ कर मैं साई को अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे साई को तुम कहाँ लेकर जाओगी? हाँ सिमरन चैत्रा कंट्रोल, हम लोग यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, कोई देख लेगा तो? चलो यहाँ से चलते हैं। देख लेगा तो क्या होगा, यहाँ पर किसी को भी हिंदी नहीं आती। अरे सुनो, यहाँ किसी को भी हिंदी आती है क्या? हाँ मुझे आती है। क्या ये गुस्से वाली लड़की है, गुस्सा आया तो आपको मार देगी। आप तो फिर नहीं आती है बता देंगे, आप मुझे नहीं आती है। देखा तुमने साई, यहाँ किसी को भी हिंदी नहीं आती। ए साई, 10 साल इंतजार करो, 10 साल। क्यों क्या करने वाली हो? मैं इसका मर्डर करके जेल जाने वाली हूँ। ची गंदी कहीं की बेवकूफ लड़की, चुड़ैल कहीं की उल्लू की पट्टी, अपने शक्ल की है। झगड़ा बहुत इंटरेस्टिंग मूड में है। तेरी सारी गालियाँ मैं लिख रही हूँ, सुबह गूगल पर इन सब के मीनिंग ढूंढ कर तेरी चमड़ी में उधेड़ दूंगी। यू स्टूपिड, तू इस यहाँ क्यों? ओहो चैत्रा ये क्या किया तूने? ये यहाँ क्या कर रहा है? ओ गॉड, रात के झगड़े के लिए मुझे डांटने आया होगा। नाटक बहुत हो गया, चलो उठो। गुड मॉर्निंग साई। ये गुड आफ्टरनून है, नहीं नहीं बैड आफ्टरनून है। असल में रात में क्या हुआ था पता है तुम्हें? क्यों क्या हुआ साई? अरे क्या क्या हुआ, लोकल लैंग्वेज में तुमने बहुत सारी गालियाँ दी। अगर मैं तुम्हें गालियाँ नहीं दूंगी तो कौन देगा? मुझे नहीं दी, सिमरन को दी। मैंने दी गालियाँ? गंदी गालियाँ। ये तो अच्छा था कि अगल बगल में कोई हिंदी जाने वाला नहीं था, नहीं तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट हो जाती। अरे उसे इम्प्रेस करने के लिए बोला तो ऐसा करोगी क्या? अपने साथ कोई गेस्ट आया तो उसका ऐसा इंसल्ट कर दोगी तुम? इतनी गंदी गालियाँ दी क्या? ऐसी गालियाँ अगर तुमने मुझे दी होती तो अब तक हमारा ब्रेकअप हो जाता। अरे वो तो मेरी फ्रेंड है और वो हम दोनों से कई ज्यादा अच्छी है, वो समझ सकती है। तुम्हारी इतनी गालियाँ देने के बाद भी उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली, आंखों में आंसू लिए दिल में सारा दुख छुपाकर चुपचाप वहां से सर झुकाकर चली गई। लेकिन मैंने ड्रिंक तो उसे दिया था, फिर मुझे कैसे चढ़ गई? तुमने उसका बुरा करने के बारे में सोचा तो उल्टा तुम्हारा खुद ही बुरा हो गया। ऐसी कोई गालियाँ देता है क्या? हा? तुमने पंजाबी में जो भी गालियाँ दी है ना, ये देखो मैंने पेपर में सारी लिख कर रखी हैं, पढ़ लो। और इन सारी गालियों की मीनिंग वो गूगल में ढूंढने वाली है। ये तो पंजाबी की गंदी गालियाँ हैं,
अगर मेरे गांव में ऐसी गालियां दी तो उसका मर्डर हो जाएगा। देखा ना तुमने, उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसका दिल कितना बड़ा है। ये सब सुनने के बाद तो मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है साईं। उसकी जरूरत नहीं है, वो तुमसे जितना प्यार से रहती है तुम भी उसके साथ उतना ही प्यार से रहने की कोशिश करो। इतना सब होने के बाद सिमरन मुझसे बात करेगी क्या? डेफिनेटली, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, ग्रेट फ्रेंड। Who is Simran? It's me. Thank you. Thanks, Chetra. I really just love these flowers. Hello, Buzz. Who is Chetra? I am. For you. Yeah. My car, my car. Hello, Buzz. Buzz. Buzz, Buzz, kya? मेरे लिए स्पोर्ट्स कार, सिमरन का गिफ्ट, लेट्स गो। नो, नॉट फॉर यू, फॉर मी। ला, तुम्हारी ड्राइविंग नहीं चाहिए, मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। हाँ, हमने देखा कि लड़का लड़की को गिफ्ट देता है, लड़की लड़के को गिफ्ट देती है, यहाँ तो लड़की लड़की को ही गिफ्ट दे रही है सर। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो लोग तो जा रहे हैं भाई, टुक टुक बुलाओ, उन्हें फॉलो करेंगे। टुक टुक। सर, सर साइकिल लेके आता हूँ ना। वेरी गुड। क्या सर, वो लोग स्पोर्ट्स कार में जा रहे हैं, तो हम लोग टुक टुक रिक्शा में कैसे फॉलो करेंगे? बैंकॉक में साइकिल इतनी स्पीड से चला सकते हैं क्या? हम लोग स्लो जा रहे हैं, इतनी सी स्पीड और स्पोर्ट्स कार, सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट। कार का स्पीड बढ़ाओ या मुझे ड्राइविंग करने दो। दिखाऊं क्या? गेट रेडी। चेद्रा, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। हाँ। मैं $50 के लिए ट्राई करूंगी। ओके, तुमने जितने पैसे भरे हैं ना, उतने में इंडिया में आईफोन खरीद सकती हो, ट्राई करो। आईपैड तो खरीद ही सकती थी। साई, हारने वाले को एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज किया तो वो कैसे जीत पाएगा? यू थ्रो इट, ओके? अरे क्या एनकरेज करेंगे, दिख तो रहा है। चेत्रा अब जरूर जीतेगी, बेट लगाते हो? मैं जीतूंगा, क्या बेट है? जो जीतेगा वो जो भी बोलेगा वो हारने वाले को करना पड़ेगा। बैंकॉक से वापस इंडिया जाने तक। ओके। Rock and roll this ground, must be make a rock sound.
shop moving round and round. Just rock and roll this ground. Must be no kind of sound. Jaha bulaye. Thoda muskura de, thoda muskura de, baby attitude. Thoda kam dikha de, I'm a lover boy. Ye sari dunia jaanti hai, baby hame bhi dance sikha de. Yeah, yeah, badi hi raat nashili. I'll show you. Cute, no? So pretty, huh? Thank you. Nice, na? Hey, look at this. So nice. हाँ, सही है ना? Hi. Photos देखो, हम तीनों के pictures कितने अच्छे आए हैं. इस तरह तुम दोनों को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं इसी time का wait कर रहा था. ए चैत्रा, floating market में हमने photos निकाले थे ना? वो भी दिखाओ ना साई को. I love Have a look, Sai. हाँ? क्या कहा? मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ. इतने दिनों तक ये बात तुम्हें कैसे बताऊँ? मैं इसी बात की चिंता कर रहा था. इसलिए तुम दोनों को मैं यहाँ लाया. तुम दोनों के फ्रेंड्स बनने के बाद ये बात बताने के लिए. अगर हम दोनों फ्रेंड्स बन गए, तो तुमने सोचा कि तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लेंगे? ये क्या साई, एक तो दो लड़कियों से प्यार करना गलत है और ऊपर से तुम दोनों को बिठाकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो. एक को बताए बिना लव किया दूसरे से तो गलत है. एक को बताए बिना दूसरे से शादी करो तो वो भी गलत है. फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे क्या फीलिंग हुई थी, और तुम मेरी जिंदगी से चली जाने के बाद सिमरन को देखने के बाद मुझे वही फीलिंग हुई थी. और फिर से तुम मेरी जिंदगी में आई. जब एक बार प्यार हुआ तो लाइफ लॉन्ग रहता है. वही हुआ है. मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ. लेकिन तुम मुझे चाहते हो या नहीं? साई, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है. सोच लो, हम दोनों में से तुम्हें कौन चाहिए, डिसाइड कर लो. मुझे तुम दोनों की जरूरत है. मैं तुम दोनों से भी प्यार करता हूँ. लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू. ये क्या सर, इतना बड़ा ट्विस्ट? तू उनके ट्विस्ट के बारे में सोच रहा है, मैं उनके पेन के बारे में सोच रहा हूँ. ये मिल सकते हैं क्या? मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन अलग होना मुश्किल है. ऐसे उदास क्यों है साई? मैंने तुझे पहले ही बताया था कि ये वर्कआउट नहीं होने वाला है, लेकिन तूने मानी नहीं. पास्ट इज पास्ट, छोड़ दो उसे. ठंडे दिमाग से सोचो, बी प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, मेरी दो बेटियां हैं. छोटी बेटी जरा लाडली है, सभी लोगों का ऐसा भाव रहता है, लेकिन कोई मानता नहीं है. मगर अब तुझे मानने का समय आ गया है. एक काम कर, तू अकेला बैठ, आंखें बंद कर, शांत मन से सोच. तुझे तेरा दिल बता देगा कि कौन सी लड़की तुझे ज्यादा पसंद है, वही लड़की तेरे लिए करेक्ट होगी. इसका दूसरा कोई सलूशन नहीं है बेटा.
कहाँ जाना है सर? तू कहीं भी जा, मेरे परमिशन की क्या जरूरत है? सर मैं कृष्णा, आपने ही मुझे मेल किया था, आइए चलते हैं। कौन सी कंट्री से आ रहे हैं सर? बैंकॉक से। दो दिन पहले मेरा फ्रेंड बैंकॉक जाकर आया। लोग देखने बैंकॉक जाते हैं, वो बैंकॉक से लेकर आया। अपने फ्रेंड और उसके के बारे में बात मत कर मुझसे। गाड़ी चला रहा है ना, चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, सामने देख। हेलो सर। अरे कहानी कहाँ तक पहुँची? कहानी लिख रहे हैं सर। मेरे पैसे खत्म होने के बाद पूरी होगी? कैरेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना सर, इसलिए लिखने में थोड़ा टाइम जा रहा है। अरे कैरेक्टर क्यों कंफ्यूज होगा, लिख तो तुम्हारा गुरु रहा है ना। मेरे गुरु कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, कैरेक्टर गुरु को फॉलो नहीं करता, इसलिए कहानी बहुत बढ़िया बनेगी सर। सुनो बहुत हो गया, अब जितना लिखा है वो दे दो, बाकी मैं खुद लिख लूंगा। और ये भी याद रखो, उसमें मैं अपना नाम डाल दूंगा। तो फिर कैसे हिट होगी सर? हेलो, वार्निंग दे रहा है, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग फिल्मों में भी बताया जाता है, लेकिन सुधरता कौन है? मुझे ये बताओ, इतने बड़े हैदराबाद में हम साइको कैसे ढूंढेंगे? एक बेवड़े के लिए वाइन शॉप ढूंढना और एक राइटर के लिए कैरेक्टर ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होता भाई। सर मेरे ओनर का नाम भी साई है, आप लोग उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर तो नहीं आए? मेरे बाप का नाम भी साई है, तो क्या करें? ऐसा नहीं सर, मेरा फ्रेंड बैंकॉक से आया, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। अबे जो बैंकॉक से वापस आएगा मैं उसे साई मान करके ढूंढूंगा। तो सुझो कर तो चल। हाय, मैं कमिन। आप क्यों आए हो तुम? आने का दिल किया, लगता है अब तक गुस्से में हो। चलो कॉफी पीते हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना, चलो। फिलहाल मैं मेरी सारी पसंदीदा चीजों को हेट कर रही हूँ। मुझसे भी हेट करती हो? अरे सारी लड़कियाँ गुस्से में खूबसूरत दिखती हैं, ये बात तो सच है, तुम भी वैसी दिख रही हो, चलो। मुझे कॉफी पसंद नहीं है। तुम्हारी पसंद बदल क्यों रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी पसंद को बदल कर जी नहीं सकता, गुस्से में सबको ऐसे ही लगता है, लेकिन सच में छोड़ सकते हैं क्या? तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम थोड़ी देर यहाँ रुके तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। ठीक है, तुम क्या करोगी मुझे भी देखना है, मैं यही सोफे पर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ क्या कर रही हो। बढ़िया है, वैसे करते क्या हो तुम? मेरी ट्रैवल्स कंपनी है अंकल, और 12 कार्स हैं। बैड हैबिट्स कितनी है? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं अंकल, ज्यादा खुश होता हूँ तो 2 पेग्स। मेरी बेटी से प्यार करने के बाद रोज पी रहे हो क्या? नहीं अंकल। तो फिर चैत्रा गुस्से में क्यों है? छोटा सा झगड़ा हुआ है। क्या बेटी, मैं कितनी भी बड़ी गलती करूँ तुम्हारी माँ माफ कर देती है, तुम क्यों छोटी छोटी बातों में सीरियस हो जाती हो? वो माफ करने लायक गलती नहीं है पापा। प्यार में तो बड़ी से बड़ी गलतियाँ माफ करनी पड़ती हैं बेटी। किसी दूसरी लड़की से भी प्यार करता हो तो? What? क्या ये लड़का किसी दूसरी लड़की से भी प्यार करता है? तू पागल हो गई है क्या? बाला तुम अंदर जाओ, हम लोग कॉफी शॉप में चलकर बात करते हैं। अंकल यही वो कॉफी शॉप है जिसके बारे में आपने बताया था, बहुत अच्छा है। चाचा जी आइए। मैंने बताया था ना यही है। अच्छा तो यही है वो? हाँ हाँ मैं वही हूँ सर, सब कुछ कैसा चल रहा है? जब तक तुम जैसे रहेंगे सब ठीक ही चलेगा। चाचा जी आप जाइए, मैं देख लूंगा इसे। फिर मिलेंगे अंकल, चलिए सर। आओ कॉफी पीते पीते बात करते हैं। जनरली मुझे स्ट्रॉन्ग पीने की आदत है सर। अच्छा कॉफी पियो। चैत्रा के घर में जो मैंने कॉफी पी थी उसकी टेस्ट यहाँ पर बस गई है सर, मैं उसे मिस नहीं करना चाहता। इतनी कॉन्फिडेंस क्यों है? सर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक बात बोलूं, मैं चैत्रा को कभी नहीं भुला सकता और चैत्रा भी मुझे कभी नहीं भुला पाएगी। उन दोनों को मुझे समझने के लिए थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही। तुम्हें समझने के लिए मुझे हर आधे घंटे में कॉफी पिलानी पड़ेगी। हर एक मिनट में भी मैं कॉफी पीने के लिए रेडी हूँ सर। मेरी मानो चैत्रा को भूल जाओ, ना मुझे मारना पड़ेगा ना तुम्हें मार खानी पड़ेगी। ये डिस्कशन किस लिए सर, मैं सेल के अंदर ही रहता हूँ, आ जाइए। एक्सक्यूज मी, ये साई के बेल पेपर्स है। हेलो सिमरन, साई ठीक है ना? जरा उसे फोन देना। कौन है? चैत्रा। हेलो हेलो चैत्रा, चैत्रा चैत्रा तुम ठीक हो ना?
बात करूं चेतरा। चेतरा तुम ठीक? हेलो, तो हम चले? थैंक यू सर। ओके सर, सिर्फ एक ही मामूली लव स्टोरी रहने वाले का कॉन्फिडेंट एक ही रेंज में रहेगा, और मेरी तो दो लव स्टोरीज हैं। अभी आपने पूछा था ना कि क्या है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, लव है मेरा कॉन्फिडेंस। अंकल के बारे में तुम नेगेटिव फील करके मत सोचो। अभी घर में जाकर ऐसी बात करूंगा तो कोई भी फादर इसी तरह से रिएक्ट करेगा ना। अपने लव के बारे में सुनने के बाद पहले शॉक होता है, फिर रिएक्ट होता है, और बहुत जल्द रियलाइज भी हो जाएगा। स्टॉप द कार, उतरो। उतरने के लिए कह रही हूं। सिमरन, मुझे कुछ ना हो इसलिए चैत्रा ने तुम्हें फोन किया था, और मुझे कुछ नहीं होना चाहिए ये सोचकर तुम पुलिस स्टेशन में आई थी। इसे तुम दोनों ने शेयर किया है। जब ये पॉसिबल हो सकता है तो हम तीनों मिलकर लाइफ को शेयर करना इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, बोलो। बाय। राजीव ने फोन किया था बेटी, लेकिन तुम्हारी मां को यह बात मैंने नहीं बताई। क्या है ये बेटी? साई के बिना मैं भी नहीं रह सकती ऐसा लग रहा है पापा। ये कोई अचानक से छोड़ने वाली हैबिट नहीं है पापा, ये एडिक्शन है। फिर भी मैं ट्राई करूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तुम्हें अगर वो मिस कर रहा है तो बहुत बड़ा फूल है वो। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर अर्जेंट इंस्टॉलमेंट भरिए। राइमिंग तो नहीं बनी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? प्रीपेड कनेक्शन की तरह है, रिचार्ज करना पड़ता है। ओहो, समझ गए। अच्छी बात है, समझ गए। मिनिमम 1000 का रिचार्ज के लिए। देता हूँ सर, ये लीजिए सर, 1000 रुपीज रिचार्ज कर दीजिए। साई श्री, साई शंकर, साई दर्शन। क्या हुआ सर, मिल गया क्या? मिल गया क्या? लगता है टॉक टाइम खत्म हो गया। यू आर इंटेलिजेंट। ये लीजिए सर। नमस्ते सर, मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी का डिटेल चाहिए, मैं पोस्टपेड पे कर दूंगा। पर बात क्या है कृष्णा? क्यों राइटर साहब, अभी भी हमारे साई को ढूंढ रहे हो क्या? साई को ढूंढे तो तुझे क्या, पड़ोस वाली भाग गया तो तुझे क्या, तू अपना काम करना। अरे जा, तुम उसी के लाए हो ना। अरे सुनो, पोस्टपेड कहां जा रहे हो? इसे प्रीपेड करिए ना। भाई भाई भाई, मेरी बात सुनो। देखो, मेरे गुरुजी नारियल की तरह है, बाहर से कड़क अंदर से नरम। देखो, बुरा मत मानो, वो थोड़े फ्रस्ट्रेशन में है इसलिए ऐसा उन्होंने बोल दिया। अबे क्या फ्रस्ट्रेशन, तू जो साई को ढूंढ रहा है वो यही है ना? यही है। मैं कितनी बार तुमको बोलने की कोशिश किया, मगर तुम लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहे। सॉरी ब्रदर, ईगो, राइटर का ईगो। वो डायरेक्टर की बात नहीं सुनता तो ड्राइवर की कैसे सुनेगा। रुको रुको, तुम यही रुको, मैं उनको लेके आता हूँ। कहीं जाना मत, कहीं जाना मत, कहीं जाना मत, मैं आ रहा हूँ। जब मैं बोला तो तुम नहीं रुके, अब तुम बोलोगे तो मैं नहीं रुकूंगा। मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को बहुत काम है, फोकट थोड़ी ना हूँ। अभी जो पोस्ट पेड गया ना, उसे पकड़ोगे तो तुम्हें बैंकॉक साई मिल जाएगा। पहले बताना चाहिए था ना गुरुजी, साई मिल गया। गुरुजी, साई मिल गया। चलो चलो चलो, यही तो रुकने को बोला था। पागल हो गया तू? अरे विजिटिंग कार्ड तो लेना चाहिए था। आपने बहुत सही कहा सर, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इसके लिए इंटेलिजेंस ही नहीं, कॉमन सेंस होना चाहिए बस। बीच में ये काम कहाँ से आ गया? काम नहीं बे, कॉमन सेंस। यूजलेस फेलो। भैया, साई को आप जानते हैं ना? कौन? जस्ट जोकिंग। वैसे वो थोड़ा सा एक्टिंग करता है, मगर मुझे पसंद है, सोचा तुम खुद बताओगी, इसलिए आज तक उसके बारे में बात नहीं की। कुछ मदद चाहिए? मम्मी डैडी से शादी की बात मनवानी है क्या? उन लोगों से पहले मुझे मानना चाहिए ना। क्या बात है सिमरन, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं भैया। तो फिर क्या हुआ? सच का पता चल गया। What? मुझे दोनों की जरूरत है, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। अपने आप को क्या समझता है वो, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। प्लीज भैया, आप मत जाइए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट साई है। सिमरन, क्या ये बात उस लड़की को पता है? ये बात वो दोनों ही जानते हैं भैया। उस लड़की का नाम क्या है? चैत्रा।
चैत्रा तुम्हारा नाम है? हाँ। देखो साई के लाइफ से दूर हो जाओ। कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं मैं सिमरन का भाई हूँ। तुम साई और सिमरन के बीच में बिल्कुल मत आओ। उन दोनों के जिंदगी से चली जाओ। जरा मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो। अगर तू साई से मिली उससे बात कौन भी है की। तो? और क्या करेगा? मेरे घर में आकर मेरी बेटी को वार्निंग दे रहा है। मेरी बेटी को क्या करना चाहिए क्या नहीं ये देखने के लिए मैं हूँ। तुम जाकर अपनी बहन को कंट्रोल में करो। जाओ यहाँ से। जाते हो या गला पकड़कर बाहर फेंकूं? छोकर दिखा, छोकर दिखा। मुझे घर से निकालेगा तू? मुझे घर से निकालेगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे घर से निकालेगा? मुझे घर से निकालेगा तू? तू जानता है मैं कौन हूँ? सुन, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर ही था। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं साई की कंप्लेन करने यहाँ नहीं आई हूँ आंटी। साई जो भी डिसीजन लेगा उसमें हम तीनों की लाइफ इन्वॉल्व होगी। आप उसे समझाइए आंटी कि उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और अगर वो चैत्रा से शादी करना चाहता है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू दोनों लड़कियों से प्यार करके उन्हें दुख दे रहा है बेटा। देख, प्यार में तकलीफों का सामना कर सकते हैं लेकिन प्यार ही तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो गलत नहीं हम जानते हैं बेटा, मगर कभी कभी अपने को सही लगने वाला सामने वाले को गलत लग सकता है। इस वक्त हमें ऐसा ही लग रहा है कि तुमने शायद कुछ गलत किया है। तेरी जिंदगी अकेले की है तो तू जो फैसला करेगा वो चलेगा बेटा, लेकिन इसमें दो लोगों की जिंदगी और उनके परिवार का भी सवाल है बेटा। क्या हुआ, कुछ तो बोल ना बेटा। माँ, मैं अपने आप को ही धोखा दे दूं, ये तुमने मुझे क्यों नहीं सिखाया? भैया, चैत्रा। चैत्रा, ये क्या बदतमीजी है? मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे और सिमरन के लिए किया। साई, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। चार दीवारी के अंदर कॉलर पकड़ा तो तुम्हें इंसल्ट फील हो रहा है, और तुमने इतनी फैमिलीज के बीच एक फैमिली की इंसल्ट की तो उन्हें कैसा लगा होगा? मुझे उनके बारे में नहीं सुनना है, मेरी बात समझ लो तुम। ए, तुम चैत्रा को सिमरन की तरह मानते हो तो हम तीनों के बीच में एंटर हो जाओ या फिर हमसे दूर हो जाओ। हमारी प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है साई, तुम तीनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है। ये बोलने वाला तू कौन होता है? ये तो उन लोगों को कहना चाहिए। तेरे डिसीजन और ओपिनियन तू अपने पास ही रख, हमारे ऊपर दिखाने की कोशिश भी मत करना। सिमरन, तुमने कहा था ना कि प्रॉब्लम से ज्यादा साई इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे साई से ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट हो। उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, जोगिंदर सिंह, मेरा बेस्ट फ्रेंड। उसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। ऐसी खामोश क्यों हो? मम्मी डैडी को फोन किया है, वो बस आ ही रहे होंगे। वो तुम्हारी शादी की बात सुनकर बहुत खुश थे। मुझे तुम्हारा फोन देना। जोगिंदर को मैं तुम्हारा पर्सनल नंबर देता हूँ। चलो चलो, शादी की तैयारी करनी है और समय बहुत कम है। चलो। सॉरी पापा, मेरी वजह से आप हर्ट हो गए। अरे नहीं नहीं, मैं हर्ट होकर नहीं पी रहा हूँ, बहुत खुश हूँ इसलिए पी रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं? कभी कभी जो काम पुलिस नहीं कर पाती वो गुंडे कर लेते हैं, ऐसा राजू ने एडवाइस दिया है, इसलिए मैंने साई को खत्म करने के लिए गुंडे भेजे हैं। अब तक मैं दुखी थी क्योंकि साई मुझे नहीं मिलेगा ये सोच रही थी, लेकिन अब अगर साई को कुछ हो गया ना पापा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। जल्दी चल। ए, कहा? क्या हुआ चैत्रा? क्या हुआ? हाँ,
हेलो चित्रा, दिस इज सिमरन। भैया ने मेरी शादी किसी और से फिक्स कर दी है। एक घंटे में शादी है। आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट साई बट हिज नंबर इज नॉट रीचेबल। प्लीज इन्फॉर्म दिस टू साई प्लीज। हाँ क्या हुआ, किसका फोन था? सिमरन का, वो बोल रहे थे कि उसका भाई उसकी शादी किसी और के साथ जबरदस्ती करवा रहा है। थोड़ी देर में उसकी शादी होने वाली है। वो कह रही थी मैं ये बात साई को बता दूं। तू पागल है क्या? साई को इस बारे में कुछ भी मत बताना चैत्रा। अगर सिमरन की शादी हो गई तो तेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद तेरे और साई के बीच में कोई नहीं आ पाएगा। साई कहाँ चले गए थे? एक घंटे से फोन ट्राई कर रही हूँ। फोन कहाँ है? फोन कार में है। अगर फोन उठाया तो बाय मिस्टेक आया है ऐसा बोल सकती हो ना? तुम्हें मारने के लिए मेरे पापा ने गुंडे भेजे हैं। यहाँ से जल्दी चलो। अगर इस समय मैं डर गया तो तुम पर मेरा प्यार झूठा है। आने तो देखता हूँ कौन आदमी आता है। जरा देखे तो कि उसमें कितनी हिम्मत है। मैं उससे नहीं डर रही हूँ। सिमरन का भाई उसकी शादी किसी और से करवा रहा है। अगर ये शादी हो गई ना तो तुम सिमरन को बहुत मिस करोगे। शादी कहाँ है? अरे मेरी बात सुनो सर। और कब तक धोखा देते रहोगे तुम लोग? अरे धोखा कहाँ दे रहे सर। इधर दे। इस कहानी का राइटर पब्लिशर सब मैं ही हूँ। आज तक तूने जो कुछ भी खर्च किया है ना वो सब इंटरेस्ट के साथ तेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फोन रख। सर आपको मानना पड़ेगा आप में दम है सर। सर आज का दिन बहुत बढ़िया है सर। वो कैसे? वो देखो कृष्णा। जिंदगी में बहुत प्यार की कहानी लिखी। पहली बार किसी की जिंदगी लिख रहा हूँ। साई कहाँ है बता दो प्लीज। मेरे साथ आओ। कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। लिखता रहे। साई यहां से चले जाओ। ए, अब तक तूने जो किया तो मैंने सोचा कि वो खुश रहेगी इसलिए तू ऐसा कर रहा है। अगर करेक्ट टाइम पर चैत्रा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करती तो सिमरन के लाइफ का क्या हो जाता? खेल रहा है उसके लाइफ के साथ तू? यहाँ चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लाइमैक्स में एंट्री किया है, खाक समझेगा। लेकिन कहानी क्या है? इसे पढ़ लो। ये लो। इसके राइटर मेरे गुरुजी हैं। क्यों भाई, कुछ भी लिख दोगे? कोई रियलिटी शो है क्या? ये रियल लाइफ है सर। हम जो लिख रहे हैं वहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ जो चल रहा है हम वो लिख रहे हैं। जस्ट स्टॉप। बुलाने वाला साइलेंट, शादी को रुकवाने वाला वायलेंट, बीच में मैं कौन हूँ? पेपरमेंट हूँ क्या? देखिए वहाँ पे लंच रेडी है, चुपचाप खा के निकल जाओ। मैं खाना खाने के लिए नहीं आया, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। अपनी मर्जी से दोनों से प्यार करोगे और बीच में घुसकर शादी रुकवा दोगे?
ये पूछने वाले तुम कौन हो? मैं संघ, संघ मित्र, फ्रेंड टू सोसाइटी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। दो दो लड़कियों से शादी करोगे तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा? खुद को भगवान समझते हो क्या? नहीं तो कान खोल लो और मुंह बंद करके मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम 100 से प्यार करो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन शादी 1 से होगी, ये संघ का रूल है। आई बात समझ में? रूल इज रूल एंड रूल फॉर ऑल। जरा फिर से बोलो। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है भाई? तुम 100 लोगों से प्यार करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू शुड मैरी 1 गर्ल एट ए टाइम, अंडरस्टैंड? मतलब 99 लड़कियों को मैं धोखा दे सकता हूँ क्या? मैंने कब कहा ऐसा? मैंने जो कहा था उसका मतलब ये तो नहीं था। देखिए, इस दुनिया में सारे लोग लाइफ में बिना प्लान किए ही प्यार करते हैं। मेरे मामले में वो 2 बार हुआ है और मुझे धोखा देना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वैसा मैंने कभी किया ही नहीं। ये कैसी बातें कर रहा है? आपका बेटा ये सब बोल रहा और आप चुप है? आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो बताता। हाँ बोलिए। तो फिर क्या करते आप? मैं एक ही लड़की से शादी करवाता। आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं भी यही करना चाहता हूँ। मेरा बेटा दोनों में से किसके साथ शादी करेगा तो सही रहेगा, इस लड़की से या उससे? इसमें सोचने की क्या बात है? और वैसे ही लड़की तैयार बैठी है, उसी से शादी करवा दो इसकी, हम लोग आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। क्यों गुरुजी? अपनी बकवास बंद कर बे। थोड़ी देर पहले यही सजेशन मैंने दिया था तो सब लोग मुझे यहाँ मारने के लिए दौड़ पड़े थे। सर, इस प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। सर, मैंने बहुत प्यार करने वाले देखे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग प्यार के नाम पर प्यार नहीं बल्कि बहुत कुछ करते हैं। इसने बहुत दिल से प्यार किया है, इसके प्यार में सच्चाई है, इसके सिवा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। सही कहा जी, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया तो इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं किया। तो ये मामला हम लोग नहीं सुलझा सकते। दोनों में से एक से शादी किया तो दूसरी तो दुखी होगी। अगर तीनों अलग अलग हो गए तो फिर कोई सुखी नहीं रहेगा, और तीनों एक साथ रहे ऐसा कहने के लिए हमारा समाज अलाउ नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, इन लोगों की है, समाधान भी यही लोग करें ना। जब तुमने मुझसे कहा कि चैत्रा तुम ही मेरी लाइफ हो तो मुझे किसी और चीजों की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जब तुमने यही बात सिमरन से कही तो अब मुझे इस लाइफ की ही जरूरत नहीं है। तुम भी लवर हो, इस बात को जानने से पहले हम तीनों कितने खुश थे, और अभी जो चीज तुम्हारे अंदर आ रही है वो है इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी नहीं है साई, मैं तुम्हारी लाइफ में आई तो तुम्हें मेरे लिए ही हंसना है, मेरे लिए ही रोना है, सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना है, ऐसा मैं चाहती हूँ। और ऐसे में तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है ये जाने बिना मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? करेक्ट है, तुम एक बात जानती हो, तुम और चैत्रा मेरे दिल में हमेशा नंबर 1 प्लेस पर हो। नंबर 1 पर सिर्फ एक ही रह सकता है साई, लेकिन तुम वो जगह हम दोनों को दे रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल? वो मुझे प्यार करती है ये तुम्हें पता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ये बात इसे भी पता है। जब तुम दोनों मुझसे प्यार करती हो तो एक को छोड़ दूं क्या? मेरा प्यार मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेट करके, इकोनॉमिक्स की तरह खर्च करके नहीं बता सकता। मुझे तुम दोनों से प्यार है, दूसरा कुछ नहीं। और सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता। भगवानों में भी बहुत सारे भगवानों की 2 पत्नियां हैं, ऐसा लॉजिक मैं नहीं बता रहा हूं, लव से बड़ा लॉजिक होता है। तुम दोनों मुझे और मैं तुम दोनों को मना करने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड। और मैं ही नहीं, तुम दोनों भी तो मुझे बहुत चाहती हो, मगर तुम दोनों चाहती हो कि मैं किसी अकेले को मिलूं। बस एक बार ऐसा चाहकर तो देखो कि तुम दोनों को मेरी जरूरत है, इससे हम तीनों भी ठीक रहेंगे। मेरे बिना तुम दोनों कैसी रहोगी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। इसलिए तुम दोनों कोशिश करो कि तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगी, लेकिन मुझे 2 हिस्सों में बांटने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं रहूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा साई। मेरे सवाल का सच सच जवाब दो।
हम तीनों मिलकर जी सकते हैं। ये भरोसा तुम दोनों को है या नहीं, ये सच बताओ। है, हम लोग रह सकते हैं साई। तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है साई, कुछ नहीं। ये बात बोलने में इतनी देर क्यों करती? देखो तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो तो मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, और लगता है वो ऊपर वाला भी मुझे इतनी जल्दी नहीं मारना चाहता। मैं तुम दोनों के साथ मिलकर जीने के लिए वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन मेरे आने के बाद अपना इरादा बदलना मत। अरे मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो यार। अरे जल्दी को एम्बुलेंस को बुलाओ, भाई मुझे बचाओ। अरे मुझे शादी करनी है यार। Right.